तो आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन। विजुअल बेसिक एक लैंग्वेज है जो एमएस ऑफिस के एप्लीकेशन में यूज होता है, एमएस ऑफिस एप्लीकेशन को ऑटोमेट करने के लिए। कोई भी टास्क आप चाहते हैं, जैसे कोई रिपीटेड टास्क है उसको बार बार करने के लिए, या कोई अल्टरनेट टास्क जिसमें आपको करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, उसको हम विजुअल बेसिक लैंग्वेज के थ्रू यहाँ ऑटोमेट कर सकते हैं। तो इसके बारे में बताएंगे। तो उस पर चलने के लिए पहला स्टेप क्या होता है, हमारा डेवलपर टैब आना चाहिए। यहाँ पे डेवलपर टैब अगर आपके पास नहीं आ रहा है तो उसको आप कहाँ से लाएंगे, फाइल मेन्यू में जाइए, ऑप्शन में जाएंगे, फिर कस्टमाइज रिबन में आएंगे, फिर ये रहा यहाँ पे डेवलपर टैब। डेवलपर टैब पर टिक लगा दीजिए, क्लिक कीजिए यहाँ से ओके, डेवलपर टैब आपका यहाँ पे अवेलेबल आ गया। यहाँ पे अगर आप देखेंगे सबसे पहला आइकन है विजुअल बेसिक का, यहाँ पे क्लिक करते ही इसकी शॉर्टकट की है Alt+F11, प्रेस करते ही आपके सामने विजुअल बेसिक की आईडी आ जाएगी, ये सामने ओपन होगी। अब इसके तहत काम क्या होता है, यहाँ पे आप कोई भी कोडिंग लिख सकते हैं, या आपके पास कोडिंग एरिया आ गया, लेकिन कोडिंग लिखने के बाद जब आप फाइल सेव करेंगे तो वहाँ दिक्कत आती है। इसलिए क्यों दिक्कत आती है, क्योंकि विजुअल बेसिक की कोडिंग आप नॉर्मल एक्सेल की फाइल में .xlsx की फाइल में आप सेव नहीं कर सकते। उसके लिए क्या करना होगा, एक्सटेंशन मैक्रो वाला चूज करना पड़ेगा। तो मैक्रो एनेबल वर्कबुक फाइल टाइप चूज करके आप सेव करेंगे, ताकि ये आपकी कोडिंग इन फ्यूचर में आपकी उस फाइल में बनी रहे। वो कैसे होता है दिखाते हैं एक बार। तो अगर कोई आपने मैक्रो वाली फाइल जैसे कोडिंग लिखी है या कोई मैक्रो रिकॉर्ड किया है, वो चाहते हैं आप फ्यूचर में वो कोडिंग बरकरार रहे, तो उसके लिए सेव है टाइप में आकर के आप यहाँ से मैक्रो एनेबल वर्कबुक चूज करेंगे, उसके बाद ये फाइल ओपन होगी। अब इसको आप कहीं पे भी सेव कर सकते हैं, जहाँ पे भी आप चाहें वहाँ पे फाइल सेव कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, मान लीजिए कुछ कोडिंग यहाँ पे लिख रखी, जैसे डेस्कटॉप पे मैंने इस फाइल को सेव किया, माय फाइल मैक्रो वन नाम से मैंने फाइल सेव कर दिया, माई फाइल मैक्रो वन। यहाँ पे कुछ मैक्रो राइट कर लेते हैं, मान लीजिए मैंने यहाँ पे ये कोई प्रोसीजर लिखा, इसके बारे में अभी आपको बताने वाला हूँ मैं, ये कैसे लिख सकते हैं। यहाँ मैंने लिखा MSG बॉक्स हेलो, ये कुछ कोडिंग होगी MSG बॉक्स हेलो, यहाँ से प्ले करा सकते हैं, ये हेलो आएगी, ये कोडिंग होगी। और भी हम कुछ यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए सेल कमांड भी आप फायर कर सकते हैं। सेल कमांड क्या कौन से होते हैं, जैसे कि हो गया आपके नोट पैड .exe लगा दीजिए, तो ये नोट पैड ओपन कर देगा। नोट पैड जो ओपन होगा वो किस मोड में ओपन होगा, तो यहाँ पे आपको कमांड मोड देना होगा, वो हाइड मोड में ओपन होगा, या मैक्सिमाइज मतलब पूरी स्क्रीन पे आएगा, या नॉर्मल फोकस, तो नॉर्मल फोकस ले लेते हैं, नॉर्मल फोकस में ओपन हो, इसको प्ले कीजिए, ये देखिए नोट पैड आ गया। तो यहाँ पे बहुत सारी कमांड कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या, अगर मान लीजिए यहीं पे सेल कमांड में मैंने ये लिख दिया shutdown/r, तो ये क्या होगा, अगर मान लीजिए जैसे ही ये रन होगा आपका सिस्टम रीस्टार्ट हो जाएगा। तो ऐसी टाइप की और भी बहुत सारी कोडिंग हो सकती है, जो कि किसी अननोन सोर्स से, अगर आपके पास वो एक्सेल की वर्कबुक आई है मैक्रो वाली जिसमें एरर है, या इस तरीके की कुछ डेंजरस या हार्मफुल कोडिंग है, वो आपके लैपटॉप या डेस्कटॉप को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो उससे बचने के लिए एक्सेल क्या करता है, जब भी आप कोई मैक्रो एनेबल या मैक्रो वाली फाइल ओपन करते हैं, तो वो मैक्रो को डिजेबल करके ओपन करता है, फिर आपको वार्निंग प्रॉम्प्ट कराता है। तो यहाँ पर हम कुछ और ले लेते हैं, ये वरना मेरा लैपटॉप रिस्टार्ट हो जाएगा, MSG बॉक्स हेलो, ये मैंने सिंपल सी कोडिंग लिख ली, यहाँ पे सेव किया, क्लोज किया, ये सेव हो गया। कहाँ गई मेरी फाइल, डेस्कटॉप पे ये रहे, माय फाइल मैक्रो वन, ये मैंने सेव किया यहाँ पे, तो इसका मैक्रो का आइकन बन गया। अब इसको यहाँ से डबल क्लिक करते हैं तो ये फाइल ओपन होगी, और ये रहा वार्निंग के साथ, मैक्रो हैव बीन डिसेबल्ड, यहाँ से हम एनेबल कर सकते हैं। जैसे मैंने किया, आपकी मैक्रो की कोडिंग वहाँ पे अब रन हो जाएगी। जैसे कि मान लीजिए कुछ अगर हम स्टार्टअप पे लगाते तो स्टार्टअप पे हो सकती थी वो,
ये Alt प्लस F11 प्रेस किया मैंने, ये आ गया, ये देखिए कोडिंग हो जाएगी रन। या अगर कोई आप स्टार्टअप पे भी लगा सकते हैं, स्टार्टअप पे कैसे लगाते हैं वो हम बाद में आएंगे, पहले यहीं पे रहते हैं। अगर आप चाहते हैं जब आपका ये यहाँ पे डेस्कटॉप पे आप डबल क्लिक करें तो ये फाइल जो है क्या करें, कोई वो एक्टिव या मैक्रो को डिजेबल नहीं करें और एक्टिव करने के लिए ऑप्शन नहीं दे, बाई डिफ़ॉल्ट हो जाए। तो इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए एक तो ऑप्शन है बहुत डेंजरस है, क्या है, सारे मैक्रो को अलाउ करना होगा। डेवलपर में जाइए, ये रहा मैक्रो सिक्योरिटी, मैक्रो सिक्योरिटी में आ गए तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन है एनेबल ऑल मैक्रो, ब्रैकेट में वार्निंग भी दी गई है, नॉट रिकमेंडेड, पोटेंशियली डेंजरस, कोड कैन रन। तो ये दिक्कत हो सकता है, तो इसका अल्टरनेट वर्जन क्या है, यहाँ पे एक लोकेशन कोई ऐसा डाल लीजिए, मैंने यहाँ पे डेस्कटॉप पे टेस्ट नाम का डाला हुआ, आप कोई और भी लोकेशन यहाँ से ऐड कर सकते हैं, फिर उस लोकेशन पे जो भी आप मैक्रो एनेबल वर्कबुक फाइल ओपो वहाँ पे अगर आप सेव करेंगे या कट कॉपी करके कहीं से लाएंगे, उस लोकेशन पे खोलने पे वो मैक्रो डिजेबल नहीं करेगा, वो एनेबल ही रखेगा वो। अब चलते हैं मैक्रो रिकॉर्डिंग पे चलते हैं, जो हमारा मैक्रो रिकॉर्डर होता है यहाँ से, इसकी वर्किंग के बाद फिर आगे बढ़ते हैं। मैक्रो रिकॉर्डर में आते हैं, वो कहाँ अवेलेबल होता है, व्यू के अंदर मैक्रो में, व्यू मैक्रो से जितने भी मैक्रो आपने रिकॉर्ड किए होते हैं उनको आप दे सकते हैं। मैक्रो को रिकॉर्ड करने के लिए रिकॉर्ड मैक्रो पे जाएंगे तो रिकॉर्डिंग चालू हो जाएगी। एक ऑप्शन और भी है, यूज रिलेटिव रेफरेंस, अगर ये बाय डिफॉल्ट ऑन है, वैसे ये बाय डिफॉल्ट ऑफ होता है, ऑफ का मतलब क्या होता है, एब्सोल्यूट रेफरेंसेस यूज करेगा, एब्सोल्यूट मतलब वही डॉलर वाला केस आ जाता है, अभी आपको एग्जाम्पल में दिखाने वाला भी हूँ मैं। यहाँ पे भी ऑप्शन होता है और डेवलपर टैब पे भी ऑप्शन होता है, ये रहा व्यू मैक्रो करने के लिए, ये रहा वही शॉर्टकट की अल्ट प्लस F8, रिकॉर्डिंग के लिए ये हो गया, और ये रहा आपका यूजिलिटी रेफरेंसेज, और ये रिकॉर्डिंग वाले बटन का शॉर्टकट की है, यहाँ पे भी होता है, स्टेटस बार पे भी होता है। अब चलिए यहाँ से रिकॉर्ड करते हैं, ये मैंने रिकॉर्ड किया मैक्रो 3 नाम से, रिकॉर्डिंग स्टार्ट होगी। अब मैंने क्या किया, A1 पे आ गया मैं, और यहाँ पे अब कुछ टाइप कर लेते हैं। A1 पे मैंने हेलो टाइप किया और A1 पे जा करके ये फ़ॉन्ट साइज बढ़ा दिया। अब मैं इसके दो कॉलम आगे आया और यहाँ पे वेलकम लिख दिया। अब यहाँ से रिकॉर्डिंग को स्टॉप करते हैं और इसकी कोडिंग देखते हैं कि उसमें क्या लिखा हुआ है। तो ये देखिए, डेवलपर में जाएंगे, विजुअल बेसिक में जाएंगे, मॉडल्स खोलेंगे, ये आ रहा है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, A1 को सिलेक्ट किया जाए और उसके बाद उसमें टाइप किया जाए हेलो, फिर उसका जो है ना फॉन्ट साइज इतनी बार बढ़ा है, फिर हमने क्या सेलेक्ट किया, C1 में वेलकम लिखा, तो ये एब्सोल्यूट हो गया। आप किसी भी सीट पे हैं तो ये सिर्फ उसी वाले रेंज पे काम करेगा जो जो उसने एब्सोल्यूट में रिकॉर्ड किया हुआ, जैसे कि मान लीजिए वापस से प्ले करा था उसको मैं इस वाली सीट पे, सीट नंबर 2 पे, तो वही हो जाएगा काम। अब यहाँ पे रिलेटिव क्या होता है, तो अपने आप मूवमेंट कराता है ये, कैसे, आप उसी सीट में आप 2 बार 3 बार कितनी बार भी अप्लाई कर सकते हैं, वो कैसे, यहाँ से ये इसको ऑन कर लीजिए, ऑन हो गया। अब मैं यहाँ पे आ गया इधर, अब मैंने यहाँ पे लिखा हेलो, फिर वापस गया, इसका फॉन्ट साइज मैंने इंक्रीज किया और इसके दो कॉलम बाद में आकर के मैंने लिख दिया वेलकम, और इसका कोई कलर दे देते हैं, ये कलर, ये हो गया। यहाँ से मैक्रो को स्टॉप कीजिए, ओ सॉरी मैक्रो तो अभी ऑन ही नहीं हुआ था, फिर से कर लेता हूँ। मैक्रो रिकॉर्डिंग स्टार्ट किया, रिलेटिव रेफरेंस हमारा ऑन है, एक बार देख लेते हैं, हाँ जी ऑन है, रिकॉर्डिंग हमने ऑन किया। मैक्रो 4 यहाँ पे आ गए, हेलो टाइप किया मैंने, फॉन्ट साइज बढ़ा लिया, इसके दो कॉलम आगे आकर के वेलकम लिखा और इसको कोई कलर दे लेते हैं। यहाँ से मैक्रो को स्टॉप किया, निकल लिया। अब देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा रहा है, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, एक्टिव सेल जहाँ पे है उससे -1 में गए, पहले -1 ऊपर ऊपर, तो ये क्या हुआ, एक रो ऊपर एक कॉलम पीछे ये गया, फिर वहाँ पे जा कर के टाइप किया इसने हेलो, हेलो टाइप करने के बाद काम क्या किया, ये फॉन्ट साइज इंक्रीज किया है। तो अब देखिए, अब यहाँ पे काम कर क्या कहता है, अगर मान लीजिए मैं फिर से इसको प्ले कराता हूँ, कहीं पे पॉइंटर है मेरा और ये मैं डेवलपर टैब में जा कर के व्यू मैक्रो, मैक्रो 4 को मैंने यहाँ से रन कराया, तो ये मेरा काम क्या करेगा, तो ये रिलेटिव रेफरेंस का काम, ये पर्टिकुलर सिर्फ उसी सेल एड्रेस पे काम नहीं करेगा, अपने आप ये ढूंढ लेगा। एक बार और कराइए यहाँ से, ओ सॉरी ये तो वही था, वो रिकॉर्डिंग व्यू मैक्रो में आ जाइए, मैक्रो नंबर 4, ये देखिए फिर से वही कर देगा। तो ये अंतर है रिलेटिव में और एब्सोल्यूट में। अब चलते हैं और आगे,
तो यहाँ पे आते हैं, ये मेरा विजुअल बेसिक का एप्लीकेशन की आईडी है। ये यहाँ प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर आ रहा है, यहाँ पे हम प्रॉपर्टी भी डाल सकते हैं। ये रहा प्रॉपर्टी विंडो, प्रॉपर्टी विंडो आ गया। और एक और विंडो होता है इमीडिएट विंडो, ये मेरा इमीडिएट विंडो ये हो गया। और कोडिंग विंडो ये हो गई, ये कोडिंग एरिया हो गया। यहाँ पे कोडिंग करेंगे, जो भी आप चीज़ यहाँ पे कोड करते हैं, अगर आप चाहें यहाँ पे टेस्ट करा सकते हैं कुछ भी चीज़। जैसे कि मान लीजिए, जब मैं आपको एक एक करके एग्जाम्पल वाइज दिखाने वाला हूँ उसका इस्तेमाल कैसे हो सकता है, उसका यूज़ आप यहाँ पे करते हैं। जैसे मैक्रो 5 यहाँ पे ऑलरेडी बना पड़ा है, इसके अंदर कोडिंग लिख देते हैं। यहाँ पे डिबग डॉट प्रिंट इक्वल टू हेलो, ये मैंने हेलो लिखा और यहाँ से इस कोड को रन करा है, या इमीडिएट विंडो में वो आ जाएगा हेलो। अब यहाँ पे आते हैं, तो बेसिकली तौर में काम क्या होता है, यहाँ वेरिएबल फंक्शन वगैरह ये सब कैसे डिक्लेयर करते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब उसमें फंक्शन और वेरिएबल क्या होता है और कैसे कैसे आप, अगर आप चाहें प्रोसीजर लिख सकते हैं, वो बताता हूँ। तो अब आते हैं डेटा टाइप्स के ऊपर। यहाँ पे ही हम ये सारे मैक्रो हटा लेते हैं, सेलेक्ट किया हमने सेलेक्ट ऑल, ये सारा डिलीट कर लिया। ये इमीडिएट विंडो से बैठा लीजिए। वेरिएबल टाइप्स और वेरिएबल और डेटा टाइप्स ये क्या होता है, अगर मान लीजिए कोई आप वैल्यू मेमोरी में स्टोर कराना चाहते हैं एक्सेसिबिलिटी के लिए, तो उसको आप यहाँ पे वेरिएबल में उस वैल्यू को स्टोर करा सकते हो, वो वैल्यू आपकी मेमोरी में अवेलेबल रहती है। जैसे कि मान लीजिए आप एक्सेल शीट में हैं, तो वहाँ पे कुछ नंबर भी इनपुट कर सकते हैं, टेक्स्ट भी, क्योंकि हर एक सेल में आप कुछ भी डाल सकते हैं। यहाँ पे क्या होता है, वेरिएबल में आपको पहले डिफाइन करना पड़ता है कि वेरिएबल किस टाइप की वैल्यू लेगा, कौन कौन से टाइप होते हैं, मैं आपको एक एक करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे पहले हम क्या करते हैं, फंक्शन लिखना सीखते हैं, सॉरी पहले स्टार्ट करते हैं प्रोसीजर से। ये मैंने स्टार्ट किया सब मैक्रो 5 ब्रैकेट ओपन क्लोज, और यहाँ प्रेस कीजिए एंटर, ये अपने आप एंड सब दे देगा। मतलब ये क्या हुआ, ये मेरे इस प्रोसीजर इस मैक्रो की बॉडी ये है, मेरे को जो भी कोडिंग लिखनी है इस बॉडी के अंदर ही। तो ये कैसे लिखेंगे यहाँ पे कोडिंग, तो यहाँ पहले वेरिएबल डिक्लेयर कराना सिखाते हैं, डिम से होगा ये। डिम के बाद आप वेरिएबल नेम कुछ भी ले सकते हैं, बस वेरिएबल नेम में स्पेस नहीं होना चाहिए और कोई स्पेशल कैरेक्टर नहीं होना चाहिए, जैसे कि वो एस्ट्रिक परसेंटेज साइन प्लस माइनस ये सब कुछ नहीं होना चाहिए। तो वेर 1 लिख दीजिए यहाँ पे, और यहाँ पे एज लिख करके उसका डेटा टाइप किस टाइप का हो सकता है, वो बाई टाइप का हो सकता है। अगर वो डेटा टाइप बाई टाइप का है तो मतलब क्या करेगा, यहाँ पे अगर आप एस्ट्रिक लगा देंगे, सॉरी एक सिंगल कोट्स लगा देंगे, तो ये कमेंट के तौर पे यूज़ होगा। मतलब ये क्या हुआ, जहाँ पे भी अपोस्ट्रोफी लग जाएगा उसके बाद का टेक्स्ट एज ए कमेंट माना जाएगा, उसको कंपाइलर कंपाइल नहीं कराएगा। तो ये क्या करेगा, वैल्यू लेगा 02255, निगेटिव नंबर नहीं लेगा ये। अगर आप निगेटिव नंबर इसमें डालते हैं तो ये एरर आएगा, वेर इक्वल टू मैंने डाला -9। अब इसको यहाँ से रन कराइए, ये एरर आ गया ओवरफ्लो, स्टॉप कीजिए। और यहाँ पे अगर हम डालते हैं ये 10, इसको यहाँ से प्ले कराइए, अब ये ले लेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब मैंने क्या किया, रेंज ए मेरे पास ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर A1 मैंने एक्सेस किया, तो ये क्या करेगा, जो भी एक्टिव सीट होगा उसका A1, यहाँ पे अगर हम चाहें तो सीट नेम भी डाल सकते हैं, या किसी सीट को हम यहाँ से मैनुअली भी एक्टिवेट करा सकते हैं, यहाँ से एक्टिव या सेलेक्ट करा सकते हैं ये चीज़। तो यहाँ पे क्या होगा, जो मैंने A1 लिखा है सिर्फ वहाँ पे ले जा करके वेर 1 की वैल्यू डाल देगा। ये मैंने यहाँ से रन कराया, अब चलिए सीट में चलते हैं, यहाँ 10 आ गया। तो ये ऐसे काम करता है। और कौन कौन से डेटा टाइप्स होते हैं वो आपको बताता हूँ। डिम वेर 2 एज इंटीजर होता है, इंटीजर की क्या होती है, रेंज होती है 32768 से लेके 32767 तक, ये ले सकता है वैल्यू। अगर आप चाहें तो दो वेरिएबल डिक्लेयर करना है तो ऐसे कर सकते हैं, डिम वेर 3 एज इंटीजर कॉमा वेर 4 एज इंटीजर, या इसी में अगर आप चाहें तो वेर 5 एज डबल, जितने भी सारे टाइप्स के होते हैं। अब इसमें कौन कौन से टाइप्स के होते हैं वो देखिए, इसमें इंटीजर हो गया और एक इंटीजर की रेंज ये हो गई। इसके बाद होता है एक लॉन्ग टाइप होता है, लॉन्ग में क्या होता है, इंटीजर से ज़्यादा की वैल्यू आती है, डिम ए एज लॉन्ग, अगर मैंने ये दे दिया तो इसमें जो होती है इंटीजर से बहुत ही ज़्यादा इसकी रेंज होती है, इसकी रेंज होती है माइनस से लेकर के बाइट में, बस माइनस नहीं होता, लॉन्ग में होता है 2147483648 से लेकर के 2421
21474483648 तक, तो ये इसकी रेंज हो गई। ये एक जो इंटीजर से काफ़ी हैवी है। अच्छा, अगर मान लीजिए आपको कहा जाए कि आपने वेयर क्यों लेना है या वेयर टू क्यों लेना है, और या अगर मान लीजिए यहाँ पे बाइट और इंटीजर में कंफ्यूज है कि मान लीजिए 5 मिनट के लिए कोई बोले जब मेरे पास लॉन्ग में इतनी रेंज ले ही रहा है तो मैं इंटीजर में काम क्यों कराऊँ, तो वो इसलिए कराना है क्योंकि मेमोरी में रैम के ऊपर जो ये स्पेस लेगा ये 4 बाइट लेगा और ये इंटीजर 2 बाइट लेगा, या आपका बाइट ओनली सिंगल बाइट लेगा 1 बाइट लेगा, तो मेमोरी उतनी ज़्यादा बढ़ेगी अगर रैम पे तो उतनी ज़्यादा आपका प्रोग्राम स्लो काम करेगा। इसलिए आपको अपने कन्वीनियंट वाइज वेरिएबल का डेटा टाइप चूज करना चाहिए। लॉन्ग लेना, अगर मान लीजिए आपने मैक्सिमम वाला ले लिया तो आपकी कोडिंग बहुत ज़्यादा हैवी हो जाएगी क्योंकि रैम पे उतना लोड चाहिए उसको। लॉन्ग टाइप का अगर डेटा टाइप होगा तो 4 बाइट लेगा, ये इंटीजर होगा तो 2 होगा, ऐसे और भी होते। तो ये अभी तक क्या देखा आपने, सिर्फ नंबर्स ले रहे हैं, पॉइंट में नहीं ले रहा, रियल नंबर नहीं ले रहा। जो प्रिसीजन पॉइंट वाले नंबर होते हैं उनके लिए क्या होते हैं, 2 टाइप है, डिम बी एज सिंगल और सी एज डबल। सिंगल और डबल पे आ जाते हैं तो इनकी क्या होती है, इनकी रेंज एक की कम होती है और एक की ज़्यादा होती है। इसकी रेंज क्या होती है, अगर हम सिंगल की बात करें तो इसकी रेंज होती है माइनस एक 3.402823 एक्सपोनेंट की पावर 38 से स्टार्ट होती है, 2 कहाँ तक जाती है 1.401298 एक्सपोनेंट की पावर -45 तक, ये यहाँ तक वैल्यू ले सकता है ये। तो इसकी बहुत ज़्यादा रेंज है और इससे भी ज़्यादा जो रेंज है वो डबल का रेंज है। और क्या है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है, डिम डी एज डेट, यहाँ पे डेट टाइम में सिर्फ डेट टाइम की वैल्यू लेगा, उसका जो सीरियल नंबर होता है 1900 से लेकर के और 31 दिसंबर 9999 तक की डेट वैल्यू ले गई है। और क्या होता है, और यहाँ पे एक होता है करेंसी होता है एफ एज करेंसी। यहाँ पे क्या होगा, डेसिमल के राइट साइड में 4 प्लेस तक और लेफ्ट साइड में 14 प्लेस तक ये वैल्यू लेगा। इसके अलावा जो हमारा मेन जो होता है ऑब्जेक्टिव, ये होता है स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट एज स्ट्रिंग। इसमें क्या करेगा, नंबर नंबर वर्ड करेक्टर कुछ भी ले लेगा। यहाँ पे बेसिकली तौर पे ये एज अ टेक्स्ट वैल्यू लेता है, ओनली टेक्स्ट की वैल्यू इसमें कंसिस्ट कर सकता है। एक और टाइप हमारा बुलियन, डिम के एज बुलियन, ये क्या करेगा, सिर्फ ट्रू वैल्यू लेगा, या तो हाँ या तो ना। तो सिर्फ इसके अंदर अगर आप चाहेंगे इक्वल टू, ये देखिए ये आ गया, फॉल्स या ट्रू, सिर्फ इन दोनों में से ही कोई वैल्यू लेगा, ट्रू या फॉल्स, इसके अलावा कोई वैल्यू नहीं लेगा। इसके अलावा क्या होता है, हमारे ऑब्जेक्ट भी होते हैं। ऑब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, जैसे कि मान लीजिए मैंने लिया के एज सीट, सीट या सीट बनी ले लीजिए, तो ये क्या हो गया, तो के अब यहाँ पे किसी क्लास से रिलेटेड है तो ये ऑब्जेक्ट हो गया, तो ये ऑब्जेक्ट टाइप का भी हो सकता है। और क्या होता है, एक यहाँ पर होता है वेरियंट होता है, डिम एल ए एज वेरिएंट, ये वेरिएंट बाय डिफ़ॉल्ट होता है। अगर मान लीजिए सिर्फ मैंने ऐसे टाइप कर दिया पी, तो ये पी को एज ए वेरिएंट के तौर पे डिफाइन कर लेगा ये। तो ये सारे टाइप हो गए। अब टाइप के बाद आते हैं, अगर मान लीजिए यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेरेशन करना भूल गए और आपने सिर्फ वेरिएबल का नाम कहीं पर लिखा और यूज़ कर लिया तो क्या होगा, तो चलिए अब एक एग्जांपल करके देख लेते हैं। यहीं पे मैक्रो 5 में रहते हैं, सारी कोडिंग हटाते हैं यहाँ से, हटा दिया। अब मान लीजिए मेरे को काम क्या करना है, यहाँ पे F1 में कोई वैल्यू है 200, इन दोनों को आपस में स्वैप करना है, जो F1 में वो F2 में आ जाए, जो F2 में वो F1 में आ जाए। तो उसके लिए क्या हम कर सकते हैं, देखिए एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं I एज इंटीजर, इंटीजर क्यों, क्योंकि 400-500 के रेंज में था और कोई पॉइंट की वैल्यू नहीं है, इसलिए हमने आई अगर आप चाहें तो कुछ भी नाम ले सकते हैं, आई ले लिया। और फिर क्या किया, आई इक्वल टू रेंज F1 डॉट वैल्यू, रेंज F1 डॉट वैल्यू इक्वल टू रेंज F2 डॉट वैल्यू, रेंज F2 डॉट वैल्यू इक्वल टू आई। ये देखिए यहाँ पे क्या है, 200 है, 400 है,
ये हमने इसको रन करा है यहाँ से 400-200 हो गया, तो ये हमारा हो गया। अगर मान लीजिए अब मैं कहूँ यहाँ पे मैं ये डिम आई एज इंटीजर वाली स्टेटमेंट हटा देता हूँ तो क्या होगा, देखिए ये मैंने प्ले करा है अभी भी इसी ये ठीक ही चल रहा है, ये क्यों चल रहा है देखिए 200-400 हुआ है, फिर से 400-200 हो गया। तो यहाँ पे हम जो डिक्लेयर कराया था उसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, तो वो इसलिए विजुअल बेसिक अगर मान लीजिए कोई यहाँ बाय डिफॉल्ट ऑप्शन इम्प्लिसिट पे रहता है, वो क्या करता है कि अगर मान लीजिए किसी भी वेरिएबल का नाम आप लिख दीजिए वो अपने आप वेरिएंट टाइप पे ले लेगा और जैसे जैसे ऑपरेशन होंगे उसके वो वैसे वैसे काम कराने लगेगा। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या आती है, अगर मान लीजिए कोई वेरिएबल मैंने यहाँ पे लिया है कोई लंबा सा नाम लिया है, जैसे कि मान लीजिए वेर वन लिया था या वेरी वेरी वन लिया था, और फिर इस वाले वेरिएबल का यूज़ मेरे को कहीं बाद में एकदम 100-200 लाइनें छोड़ने के बाद है बाद में, तो वहाँ पे कहीं यहाँ पे लिखते लिखते मान लीजिए ये मैं लिखा वेरी वन, अब यहाँ क्या हो गया स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया मैंने जो यहाँ पे था, तो अब यहाँ पे क्या एग्जैक्टली दो वेरिएबल अपने आप इम्प्लिसिटली डिक्लेयर हो चुके हैं, ये रहा ये क्या है इसमें वेरी वन है और इसमें वेरी वन है, ये दो अलग अलग वेरिएबल डिक्लेयर हो जाएगा। अगर अब कराएंगे तो ये आपका प्रोग्राम कंपाइल नहीं होगा, आपके लिए परेशानी देगा क्योंकि जो दूसरा वाला वेरिएबल है वो बाय डिफॉल्ट ब्लैंक लेके घूम रहा है तो उसने F2 में ब्लैंक दे दिया वो। तो इस चीज़ को इससे बचने के लिए हमको क्या होता है वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ता है, और अगर आप चाहते हैं फोर्सफुली ये एक्सेल मेंटेन करे ये विजुअल बेसिक मेंटेन करे वेरिएबल डिक्लेरेशन तो सबसे ऊपर जा कर के ऑप्शन एक्सप्लिसिट टाइप कर दीजिए। अब मैंने टाइप कर दीजिए और कर दिया, अब यहाँ से प्ले कराइए बोलेगा वेरिएबल नॉट डिफाइंड, अब आपको वेरिएबल डिफाइन करना पड़ेगा, डिम वेर वन एज इंटीजर कर लिया, अब यहाँ पे इसका नाम दे दीजिए वेर वन और यहाँ पे भी नाम दीजिए वेर वन, तो अब यह आपका हो जाएगा काम सिंपल, वहाँ पे ब्लैंक था तो ब्लैंक ही आएगा। यहाँ से आप अल्ट F8 से भी इसको रन करा सकते हैं जो जैसे नॉर्मली मैक्रो होता है रन होता है, तो ये काम यहाँ ऑप्शन स्प्लिट सेट का था। ये अब वेरिएबल स्कोप पे आते हैं, मान लीजिए इस मैक्रो के बाद एक और मैक्रो यहीं पे मैं कोई लिख देता हूँ सम माई मैक, ये लिख दिया यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया डिम वेर टू एज इंटीजर, तो यहाँ पे वेर टू में मैंने 10 डाल दिया, अब मैं चाहता हूँ वेर वन जो ऊपर डिक्लेयर है उसमें वेर 2+100 ऐड हो जाए, तो क्या ये होगा, नहीं होगा, ये अरे दिखाएगा क्या दिखा रहा है वेरिएबल नॉट डिफाइंड, डिफाइंड कहाँ पे, तो इस वाले मैक्रो का स्कोप यहीं तक है तो ये सिर्फ यहीं पे होगा, इस वाले मैक्रो का अलग है तो ये सिर्फ यहीं तक होगा, इसके बाहर एक्सेबिलिटी नहीं होगी। उसके लिए स्टैटिक वेरिएबल होते हैं, वो हमारा बात का टॉपिक है, अभी हम यहीं पर रहते हैं। और अगर मान लीजिए मैंने अब कुछ ऐसे लिखा वे 3=100 और यहाँ पे बाद में इसको डिक्लेयर कराऊँ तो क्या वो चलेगा, वो भी नहीं चलेगा, डिम एज इन टीचर या लॉन्ग जो मर्जी, अब इसको कंपाइल कीजिए, अब ये बोलेगा वेर वन भी डिफाइन नहीं है, पहले वेर वन की कोडिंग को हटा देते हैं यहाँ से, अप्ली कीजिए वेर 3 डिफाइन नहीं है क्योंकि आपने डिक्लेयर बाद में किया और एक्सेस पहले करा रहे हैं, वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। अब आते एक यहाँ पे होता है ग्लोबल वेरिएबल होता है जो कोई भी मैक्रो कहीं से भी एक्सेस कर सकता है, मैक्रो भी और फंक्शन भी, मैक्रो फंक्शन अलग अलग क्या होता है वो भी आपको मैं जल्दी बताने वाला हूँ। पहले यहाँ पे ग्लोबल वेरिएबल पे आते हैं, वो कैसे होगा, सबसे ऊपर आ जाइए ऑप्शन एक्सप्लिसिट के बाद डिम एक्स एज इंटीजर, ये मेरा ग्लोबल वेरिएबल हो गया, यहाँ पे आप कितने भी ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं कोई टेंशन नहीं है, और ये यहाँ से भी एक्सेस होगा x=100 लिख दिया मैंने यहाँ पे, और यहाँ पे अब मैंने क्या किया MSG बॉक्स में एक्स की वैल्यू दिखा दे रहा हूँ यहाँ से, ये वेरिएबल हटा दीजिए। तो अब ये क्या होगा, अगर मैं सिर्फ इस वाले मैक्रो को रन करता हूँ तो ये क्या वैल्यू देगा, 0, ये वैल्यू 0 दे देगा, लेकिन अगर मैं पहले इसको रन करूँ तो ये क्या करेगा, इस एक्स में ये 100 इनिशियलाइज कर देगा, उसके बाद अगर मैं इसको एक्सेस करूँ तो ये उसकी वैल्यू दे देगा, ये देखिए पहले मैं इसको कंपाइल किया फिर यहाँ पे जाके इसको, ये देखिए 100 आ गया। तो ये क्या हुआ, एक ही वेरिएबल है जो दोनों मैक्रो में एक्सेस हो रहे हैं। अगर मान लीजिए इसी वाले मैक्रो से मेरे को उस मैक्रो को भी कॉल कराना है तो उसके लिए क्या करना होगा, बस उस मैक्रो का आपको नाम लिख देना होगा यहाँ पे, वो कॉल हो जाएगा, हो गया कॉल। अब चलते हैं फंक्शन और प्रोसीजर क्या होता है अलग अलग, अब तक जो हम थे तो यहाँ मैक्रो में जो थे इसको प्रोसीजर बोलते हैं, सब प्रोसीजर, फंक्शन क्या होते हैं उस पर बताता हूँ आपको।
तो ये हमारा अब तक हम जो थे मैक्रो लिख रहे थे, ये हम सब प्रोसीजर लिख रहे थे। अब फंक्शन पे आते हैं, उसका थोड़ा डिटेल में हम बाद में बताएंगे। ये मैं लिखा सब लिखा यहाँ पे माई प्रो वन या ऐसे लिख दिया, तो ये मेरा प्रोसीजर हो गया। इसमें क्या होता है, स्टेप जो होते हैं यहाँ पे लिखने होते हैं क्या क्या करने वाले हैं, एक एक स्टेप करके, इसलिए इसको प्रोसीजर बोलते हैं। क्या क्या प्रोसीजर फॉलो करने वाला है, स्टेप टू स्टेप वन यहाँ पे आप डिफाइन करेंगे। जैसे कि मान लीजिए मैंने लिखा रेंज ए वन डॉट वैल्यू 10, फिर दूसरा स्टेप क्या हो गया, फिर यहाँ पे जा कर के करे रेंज ए 200, ये ले लिया। तो इसको कंपाइल कराएंगे, तो इसमें क्या होता है, इसको आपको कहीं से कॉल कराने की ज़रूरत पड़ती है, या तो आपने शॉर्टकट की असाइन किया हुआ है, या डायरेक्टली अगर आप यहाँ सीट पे हैं तो यहाँ पे अल्ट प्लस F8 या यहाँ मैक्रो से इसको आप यहाँ से रन करा सकते हैं। देखिए ये हो गया मेरा रन, ये तो इसको कहीं ना कहीं से कॉल कराना पड़ता है। कहाँ कहाँ से कॉल करा सकते हैं, आप यहाँ शॉर्टकट की भी या किसी ऑब्जेक्ट पे लिंक लगा सकते हैं। कोई सा भी एक ऑब्जेक्ट ले लीजिए, ये मैं ले लिया, यहाँ पे राइट क्लिक कीजिए किसी भी ऑब्जेक्ट पे और असाइन मैक्रो, और यहाँ माई प्रो कर दीजिए, माई प्रो चूज़ कीजिए यहाँ से, ओके। अब इस मैक्रो पे ऐसा हाइपर लिंक सा हैंड ओवर बन जाएगा। अगर मान लीजिए ये सब हटा दिया आपने, फिर से क्लिक कीजिए लगा देगा। तो ये क्या हुआ, प्रोसीजर हो गया है जो कहीं से कॉल कराने की ज़रूरत पड़ती है। और कैसे टाइप के प्रोसीजर होते हैं, और होते हैं कुछ प्रोसीजर आर्गुमेंट के साथ। अगर मान लीजिए कहीं से आप कॉल कराएंगे तो कुछ वो कंटेन करना चाहते हैं, इनके अंदर कोई वैल्यू आए। जैसे कि मैंने क्या किया, गेट नम लिया, तो यहाँ आर्गुमेंट में वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ता है ब्रैकेट के अंदर ही। सम गेट नंबर में मैंने क्या किया, ए एज इंटीजर, यहाँ पे डिम लगाने की जरूरत नहीं, यहाँ पे सिर्फ वेरिएबल का नाम और एज इंटीजर डेटा टाइप लेकर के करना होता है। अगर आपने एक आर्गुमेंट एक पैरामीटर का वेरिएबल डिक्लेयर करना है तो सिर्फ एक, अगर आप चाहते हैं मल्टीपल तो कॉमा लगा के आप कितने भी वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं। डिम एज इंटीजर, ये हो गया। अब ये काम क्या करे, तो रेंज बी वन डॉट वैल्यू में ए की वैल्यू दे दे, और रेंज बी टू डॉट वैल्यू में बी की वैल्यू दे दे, और रेंज बी थ्री में डॉट वैल्यू में ए प्लस बी। यहाँ पे आप कोई सा भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। प्लस माइनस ऑपरेटर के बारे में भी आपको अभी जस्ट बताने वाला ही हूँ, पहले यहाँ चलते हैं। अब यहाँ से जो हम कॉल कराएंगे तो ये डायरेक्टली कॉल नहीं होगा, ये कहाँ से कॉल होगा, अगर आप देखेंगे तो ये इसका नाम नहीं आएगा, लेकिन इसमें कोई एरर भी नहीं है। क्यों नहीं है, जब आप यहाँ मैक्रो में हैं तो मैक्रो में वो पैरामीटर पास करने के लिए वो कैपेबिलिटी नहीं है। तो इसको आप क्या कर सकते हैं, किसी मैक्रो के अंदर से, किसी फंक्शन के अंदर से आप चाहें तो कॉल करा सकते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई और नॉर्मल मैक्रो में लिखा होता है मैक वन ब्रैकेट ओपन, यहाँ पर सिर्फ एमएसजी बॉक्स हेलो एम मैक वन ये होता, और इसको मैं इस फंक्शन में अगर मैं कॉल कराना चाहूँ तो क्या लिखना होगा, बस फंक्शन का नाम, यहाँ पे ये कॉल हो जाएगा। देखिए यहाँ पे आते हैं अल्ट प्लस F8 किया, अब यहाँ पे दो आ गया, एक मैक वन भी आ गया मैक प्रो भी आ गया, लेकिन सिर्फ वो आर्गुमेंट वाला नहीं आया। अब मैंने माई प्रो को यहाँ से रन कराया, अब क्या होगा, हेलो आई एम मैक वन, मैक वन भी रन होगा। क्यों, क्योंकि उसके अंदर हमने एक सब प्रोसीजर के अंदर दूसरे सब प्रोसीजर को कॉल कराया। लेकिन जब इस टाइप के सब प्रोसीजर को कॉल कराना पड़े तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, तो वो देखिए गेट नम लिखा आपने, इस पे दीजिए, तो अब ये क्या बोलेगा, दो इंटीजर की वैल्यू लेगा। यहाँ पे आप चाहें तो यहीं से कोई वैल्यू आप डाल सकते हैं, ये मैंने डाल दिया। तो ये ऐसे कॉल होगा, किसी फंक्शन के अंदर से ही कॉल होगा, किसी वो मैक्रो के अंदर से ही कॉल होगा। अब चलिए माई प्रो को कॉल कराते हैं, तो अभी क्या करेगा, ये भी कॉल हो जाएगा और इसमें पैरामीटर जो हमने डाला हुआ उसको भी हम एक्सेस कर सकते हैं। अल्ट प्लस F8 किया मैंने, माई प्रो को यहाँ से रन कराइए, हेलो आई एम मैक वन हो गया। अब देखते हैं यहाँ पे बी वन में, देखिए इन दोनों का टोटल बी थ्री में आ रहा है। तो इस तरीके से ये करा सकते हैं। अब आते हैं हम फंक्शन पे आते हैं। फंक्शन का सिंटेक्स क्या होता है, स्टार्टिंग में फंक्शन लिखना होता है, फिर यहाँ पे फंक्शन का नाम माई फंक्शन या माई फनी लिख रही है,
यहाँ पे भी सेम वही है, पैरामीटर डिक्लेयर कर सकते हैं नहीं भी, ये हो गया। अब ये क्या बोला, यहाँ पे एक चीज़ क्या है, तो यहाँ पे रिटर्न टाइप कुछ नहीं होता, वॉइड होता है, क्योंकि ये कहीं से कॉल होगा। ये क्या होता है, किसी सेल के रेफरेंस के अंदर या किसी वेरिएबल में भी ये कॉल हो सकता है, तो इसलिए इसका रिटर्न टाइप होना चाहिए। इस फंक्शन का, इस फंक्शन का रिटर्न टाइप मान लीजिए स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग मतलब टेक्स्ट। तो मैंने लिखा माई फन इक्वल टू हेलो आई एम यूजर डिफाइन फंक्शन। ये लिखा, अब ये कॉल कहाँ से होगा, अगर आप चाहें तो यहाँ से भी कॉल करा सकते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे को अब B3 में इसको कॉल कराना माई फन को, तो बस यहाँ पे लिख दूंगा माई फन, ये कॉल हो जाएगा, जो भी इसके अंदर वैल्यू रिटर्न है वो चली जाएगी। या इसको आप यहाँ पे फंक्शन के तौर पे आप कॉल करा सकते हैं माई फन, ब्रैकेट ओपन क्लोज, जैसे टुडे या नाउ आप लिखते हैं तो कोई वैल्यू रिटर्न करता है, वैसे ही आ गया हेलो एम। तो ये आपका यूज़र डिफाइंड फंक्शन हो गया। अब इसमें वेरिएबल कैसे लेंगे पैरामीटर के साथ, वो देखिए, फंक्शन लिखिए, यहाँ पे लिख लेते हैं ऑड और इवन, ऑड है इवन है, ऑड इवन, यहाँ पे आते ए एज इंटीजर। अगर आप चाहते दो वेरिएबल लेते तो कॉमा लगा के वही सेम फंक्शन की तरह आप कितनी बार कर सकते हैं। एज यहाँ मैंने टाइप ले लिया बोलियन, सिर्फ ट्रू या फॉल्स में देगा, ऑड है कि इवन है, तो यहाँ पे ले लेते हैं इवन चेक ले लेते हैं नाम इसका, ऑड इवन रखने हैं इवन चेक, अगर वो इवन है तो ट्रू दे देगा, अगर नहीं है तो फॉल्स दे देगा। तो इसके लिए कैसे चेक करना पड़ेगा, एक्सेल में हम जब थे तो MOD फंक्शन होता था, मोड फंक्शन, तो उसी का यहाँ पे मोड ऑपरेटर है। तो ये क्या करेंगे, इवेंट चेक इक्वल टू क्या देना है, यहाँ पे देना है ये ए मोड टू इक्वल टू जीरो है, अगर तो इसको आप ब्रैकेट में दे दीजिए तो यहाँ पे अपने आप रिजल्ट दे देगा। ए मोड टू रिमाइंडर, अगर जीरो बचेगा तो ऑब्वियसली बात इवन नंबर है। अब यहाँ पे आ जाए इवेंट चेक, 10 नंबर को चेक कराइए, ट्रू आ गया, इवन चेक किसी सेल का एड्रेस दे दीजिए, ट्रू आ गया, 12 में ट्रू है, 13 में ट्रू है। इसको आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, सेम जैसे अदर फंक्शन यूज़ होते हैं आप ठीक वैसे ही यूज़ कर सकते हैं, देखिए सेम वैसे ही। तो ये क्या हो गया, हमने सीखा यहाँ पे फंक्शन और प्रोसीजर कैसे राइट करते हैं। अब और आगे चलते हैं, अब कंडीशनल से हम चलते हैं, पहले ऑपरेटर्स के बारे में जान लेते हैं, कौन कौन से ऑपरेटर्स होते हैं। जैसे कि आपने यहाँ पे देखा मैंने इक्वल टू लगाया हुआ, कहीं प्लस किया हुआ था, उन सब का काम यहाँ पे अगर आप चाहें तो इमीडिएट विंडो पे कोडिंग टेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करना होगा, या तो आप डीबग डॉट प्रिंट कर सकते हैं या क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, ये क्या होगा। तो यहाँ ऑपरेटर ये होता है प्लस साइन क्या काम करता है, प्लस कराने का काम करता है, प्लस हो गया, क्वेश्चन मार्क माइनस कराना है तो ये माइनस दे देगा वैल्यू, फिर क्वेश्चन मार्क लगाइए। यहाँ पे और कौन कौन से होते हैं, तो यहाँ पे डिवीजन का ले लेते हैं, पहले डिवीजन 40/3, तो ये मेरा ये आ गया। यहाँ पे डिवीजन का एक ऑपरेटर और भी होता है, क्या होता है 40 × 3, तो ये सिर्फ इंटीजर पोर्शन मतलब पॉइंट की वैल्यू नहीं लाएगा, ये होता है। और कौन सा होता है, यहाँ मॉडुलस ऑपरेटर देख लेते हैं, 40 mod 3, तो रिमाइंडर कितना बचा, 1 बचा, तो ये रिमाइंडर की वैल्यू लाएगा। ये ऐसी यहाँ पे लॉजिकल ऑपरेटर भी होते हैं, उसके बारे में भी बता देता हूँ। क्वेश्चन लगाया 90 = 89, फॉल्स है, क्वेश्चन मार्क 90 = 90, ट्रू है, क्वेश्चन मार्क 99 > 3, ट्रू है, और ऐसी ग्रेटर देन लेस देन, और ये एक ऑपरेटर होता है 40 ≠ 56 / 65, ये नॉट इक्वल टू का होता है। तो ये सारे ऑपरेटर ऐसे हम यूज़ करते हैं, इनमें से बहुत सारे ऑपरेटर आपने एक्सेल में पहले ही से ही आप जानते होंगे, तो इसमें डिटेल में नहीं जाता हूँ, बस ये हो गया। अब इसके बाद हम चलते हैं लॉजिकल कंडीशन पे। लॉजिकल क्या होता है, इसमें कंडीशनल जो होते हैं ना स्टेटमेंट, इफ एल्स या सेलेक्ट केस, उसके बारे में बात करते हैं। अब कंडीशनल स्टेटमेंट पे आते हैं, वो कैसे राइट करते हैं वो बताता हूँ। कोई यहाँ प्रोसीजर लिख लेते हैं, सब नम चेक प्रोसीजर का नाम दे दिया, यहाँ पे कुछ वेरिएबल लेते हैं, यहाँ नहीं लीजिए, एंटर प्रेस किया, डिम
आई एज इंटीजर, आई एज इंटीजर, आई के अंदर मैंने कोई वैल्यू दे दी 10। अब यहाँ पे कंडीशनल स्टेटमेंट कैसे लिखते हैं, तो पहला मेरा टाइप आता है इफ देन का। इफ देन में क्या होता है, एक ही लाइन में लिखना होता है, इफ आई के साथ या किसी भी वेरिएबल नेम के साथ या किसी भी टाइप की कंडीशन आई, अगर आप चाहें तो यहाँ पे सिंपली ट्रू भी लिख सकते हैं। ट्रू का मतलब क्या होगा, ये कंपाइल होना ही चाहिए, तो ये तो खैर गार्बेज हो गया, लेकिन आप लिख सकते हैं आई इज ग्रेटर देन 5 देन मैसेज बॉक्स डीबग डॉट प्रिंट लेते हैं, डीबग डॉट प्रिंट आई इज ग्रेटर देन 5। ये मेरे को क्या करना होगा, एक ही लाइन में लिखना होगा इफ देन, तो ये काम करेगा। इसको यहाँ से रन कराते हैं, आई इज ग्रेटर देन 5। अगर मान लीजिए यहाँ पे मैंने दे दिया 5 दे दिया, तो ये क्या आएगा, कुछ भी रन नहीं होगा। तो इसके लिए क्या लगाना होगा, इफ एल्स, इफ एल्स लगाना होगा, उसके बाद एल्स इफ आता है। तो अगर मान लीजिए ये आपको दो लाइन में लिखना हो, यहाँ पे दो लाइन आते ही ये क्या करेगा, एरर दिखा देगा यहाँ पे, क्यों इफ़ के साथ एंड इफ होना चाहिए था। तो यहाँ पे काम कीजिए, यहाँ पे एंड इफ लगाना होगा। अब देखिए, अब आपका ये सही चलेगा, ये अभी भी कुछ नहीं आया, यहाँ से हटा दीजिए, देखिए कंपाइल कराया कुछ नहीं आया। यहाँ पे अगर मैं अब वैल्यू दे देता हूँ मैं 89, तो अब देखिए अब आ गया ग्रेटर देन 5। अगर 5 नहीं है तो क्या स्टेटमेंट हो, तो उसको हम बोलते इफ देन एल्स। इफ ये है तो सही है, एल्स अगर ये नहीं है और कुछ भी है तो डीबग डॉट प्रिंट क्या हो जाए, अदर, अदर हो जाए। तो ये क्या हो गया, इफ देन एल्स हो गया। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए मैंने 4 वैल्यू डाल दिया, अब यहाँ से प्ले कराते तो अदर आ गया, क्योंकि ये क्या था, ये नहीं है तो अदर ये आ जाए। अब इसके अंदर अगर मान लीजिए आपको मल्टीपल क्राइटेरिया डालना हो, तो उसके लिए एल्स इफ का यूज होता है। आप एल्स इफ भी लगा सकते हैं, या सिंगल एल्स भी लगा सकते हैं, या दोनों का कंबाइन भी कर सकते हैं। यहाँ पे एल्स इफ, एल्स इफ आई इज लेस देन 100, तो यहाँ पे क्या हो, देन सेम वही है, आई इज लेस देन 100, ये ले लिया। तो ये क्या हो गया, एल्स इफ हो गया मेरा ये। इसके बाद अगर आपको एल्स फिर से लगाना हो, तो एल्स फिर से लगा दीजिए, डीबग डॉट प्रिंट अदर। अब इसको कंपाइल कराते हैं, आई इज लेस देन 100। तो ये क्या हुआ, तो क्या आई 5 से बड़ा था, तो यहाँ पे क्या हुआ, कंडीशन फॉल्स हो गई, तो ये एल्स इफ के पास जाएगा या एल्स के पास जाएगा। अगर ये ट्रू हो गई तो ये इतना कंपाइल करके बाहर निकल जाएगा। एग्जांपल वो देख लीजिए, मान लीजिए यहाँ पे वैल्यू मैंने डाल दिया 10 डाल दिया, जो 5 से ज़्यादा, ये तो ट्रू हो गई। तो क्या ये अभी इसकी वैल्यू देगा, तो वो देखिए नहीं देगा, क्योंकि यहाँ पे एक कंडीशन ट्रू होते ही वो बाहर आ जाता है, वो तो इसके बाहर आ गया, वो एंड इफ के बाहर आ गया, तो इसलिए वो ये वैल्यू नहीं देगा, अदर पे जाने का सवाल ही नहीं होता वो। ये तो ये हो गया। अब इसमें एक काम और भी कर सकते, इसमें अगर आप चाहें तो इसके साथ, अगर मान लीजिए 5 से बड़ा है और यहाँ पे आपने चेक करना है 100 से नीचे भी है, तो यहाँ पे आप नेस्टेड इफ लगा सकते हैं। ये क्या हो गया, इफ के अंदर इफ अगर है तो ये हो जाए, अगर 5 से बड़ा है लेकिन इफ आई इज लेस देन 100, तो यहाँ पे भी सेम वही है। आप अगर चाहे तो सिंगल लाइन में भी कंडीशनल स्टेटमेंट पास कर सकते हैं, दो लाइन में भी, या इफ एल्स भी लिख सकते हैं, एल्स इफ भी लिख सकते हैं, कोई भी स्टेटमेंट आप लिख सकते हैं। देखिए मैंने एंड इफ लिख दिया यहाँ के साथ, तो ये क्या हो गया, इस इफ के अंदर ये वाला इफ है। तो ये क्या करेगा, अगर ये आई 5 से बड़ा होगा तो इसके इस ब्लॉक के पूरे कोड को एग्जीक्यूट करेगा, जहाँ पे इसको दिख जाएगा आई 100 से छोटा भी है। तो ऐसी टाइप की स्टेटमेंट हम नेस्टेड करके लिख सकते हैं, डीबग डॉट प्रिंट आई इज लेस देन 100, ये मैं लिख दिया। अब इसको चलिए कंपाइल करते हैं, तो यहाँ पे दो वैल्यू होगी, क्या कौन कौन सी, आई 5 से बड़ा है, ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी और ये भी एग्जीक्यूट होगी। अगर मान लीजिए यहाँ पे क्या होता, 100 होता या 200 होता, तो सिर्फ 5 वाली वैल्यू होती। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे मैंने 200 किया इसको,
अब कंपाइल कैसे 5 वाली, क्योंकि ये 5 से तो बड़ा है लेकिन 100 से छोटा नहीं है, इसलिए यहाँ पे नहीं आया ये। तो ये काम ये हो रहा। अब चलते हैं यहाँ पे लॉजिकल ऑपरेटर्स भी होते हैं कुछ, वो क्या होता है एंड और नॉट, इनका यूज़ कैसे करते हैं वो बताता हूँ आपको। लॉजिकल ऑपरेटर आप कैसे यूज कर सकते हैं, तो वो देखिए इन सबको हटा दीजिए, स्टार्टिंग करते हैं। इफ आई इज ग्रेटर देन 5 एंड, ये हो गया लॉजिकल ऑपरेटर। आई इज लेस देन 20 देन ये काम करे। तो यहाँ पे लॉजिकल ऑपरेटर आप कितनी बार भी लिख सकते हैं, एंड आई इज इक्वल टू 10, ये ऐसे करके आप लिख सकते हैं कितनी बार भी, तो एक ही साइड। तो एंड में क्या होता है, सारी कंडीशन ट्रू होंगी तो उसके बाद ही इसका कोड ये एग्जीक्यूट करेगा, अदरवाइज नहीं। यहाँ पे और क्या होता है, और होता है एक, अगर इन सारी में से कम एक ट्रू हो जाए, कम से कम एक ट्रू, तो एग्जीक्यूट हो जाएगा, ये और होता है। और के अलावा क्या होता है, नॉट होता है। तो नॉट क्या होता है, हम आउटपुट के बाहर लिखते हैं, जैसे मैंने लिख दिया नॉट I is greater than 10 and I is less than 100। अब क्या होगा, अगर ये बीच की स्टेटमेंट ट्रू होगी तो इसको ये फॉल्स दिखा देगा इस इफ के लिए, तो ये कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो ट्रू को ये फॉल्स दिखा देगा और फॉल्स को ये ट्रू दिखा देगा, तो ऐसे होता है। मैसेज बॉक्स सिर्फ हेलो लिख लेते हैं, एग्जीक्यूट हो रहा है कि नहीं हो रहा वो देखने के लिए क्लिक कीजिए हेलो। तो ये क्या हुआ, यही यहाँ पे आई 10 से बड़ा तो था लेकिन आई 100 से छोटा नहीं था, तो ये पूरी फॉल्स आ गई, क्योंकि हमने यहाँ बाहर नॉट लिख रखा है। तो ये क्या हो गया, ट्रू में कन्वर्ट हो गया, इसलिए हमारा कोड एग्जीक्यूट हो गया। अब इसके अलावा एक कंडीशन और होती है हमारे पास सेलेक्ट केस की। सेलेक्ट केस में क्या होता है, यहाँ पे आप मल्टीपल केसेस डाल सकते हैं। सेलेक्ट केस आई, केस 1 अगर है, केस ग्रेटर देन 10 है तो डीबग डॉट प्रिंट ग्रेटर देन 10, केस इज ग्रेटर देन 50 है तो डीबग डॉट प्रिंट ग्रेटर देन 50, ऐसी आप कितने भी केसेस लगा सकते हैं। या अगर आपको सिर्फ ये करना हो, केस इक्वल टू 30 है तो, अगर 30 के बराबर है तो डीबग डॉट प्रिंट इक्वल्स टू 30, और यहाँ पे क्या होगा, एंड सेलेक्ट करना होगा जैसे आप एंड इफ कर रहे थे। इसके अंदर भी आप क्या कर सकते हैं, नेस्टेड कर सकते हैं, एक के अंदर अगर ये हो एक हो, सेलेक्ट केस सेलेक्ट भी कर सकते हैं, इफ़ भी कर सकते हैं। ये आप इफ वाली बॉडी के अंदर भी कर सकते हैं, नेस्टिंग कर सकते हैं, आप कितनी बार भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ग्रेटर देन 10 ये आपका चल रहा है। तो ये हो गया सेलेक्ट केस हो गया। अगर आपको इक्वल टू के साथ चेक करना है तो सिर्फ लिखना होगा केस और उसकी वैल्यू। अगर ये स्ट्रिंग में है तो यहाँ पे वैल्यू आपको डबल कोट्स में लिखनी होगी, तो ये स्ट्रिंग के लिए भी काम ऐसे कर देगा। अगर मान लीजिए कंडीशन ऑपरेटर के साथ चेक करना है, जैसे कि ये ग्रेटर देन और लेस देन वगैरह के साथ, तो यहाँ पे केस इज लिखना होगा आपको, उसके साथ हो जाएगा ये। तो अब चलते हैं आगे। चलिए फिर अब आते हैं लूज पे, आते हैं आइट्रेशन भी बोलते हैं। अगर मान लीजिए कोई टास्क आपको बार बार रिपीट करना हो, तो उस रिपीटेशन वाले टास्क को आप लूप के अंदर डाल सकते हैं, ताकि वो आपकी कोडिंग की लाइन ना ज़्यादा बढ़ाएगा, आपका काम फटाफट हो भी जाएगा। लूप्स कौन कौन से होते हैं, एग्जाम्पल वाइज आपको दिखाता हूँ। एक होता है मेरा डू वाइल लूप होता है। डू वाइल से पहले एक डिक्लेयर कर लेते हैं, इंटीजर आई एज इंटीजर। डू वाइल आई इज लेस देन 10, जब तक आई की वैल्यू लेस देन 10 है तब तक क्या करें, ये लूप चलता रहे, मेरी लूप की बॉडी होगी। क्या चलता रहे, तो डीबग डॉट प्रिंट आई की वैल्यू प्रिंट कर दे ये। अभी आई की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी लेकिन ये इनफाइनाइट लूप हो गया, क्योंकि आई की वैल्यू बाई डिफॉल्ट 0 आएगी यहाँ पे, और ये 0 पे ये लूप चलता ही रहेगा तो यहाँ पे कोई लूप के अंदर ही हमको ब्रेकिंग कंडीशन डालनी पड़ेगी, जिससे वो लूप बाहर आ सके।
उसके लिए क्या किया मैंने, आई इक्वल टू आई प्लस वन कर दिया यहाँ पे। तो अब क्या हुआ, एक बार जब लूप एंटर होगा यहाँ पे आई लेस देन टेन है तो ये क्या करेगा, ये इतनी बार रिपीट हो जाएगा। देखिए ये हो गया रिपीट यहाँ पे 9 बार, 0 से लेकर के 9 बार तक, ये 10 बार टोटल हो गया रिपीट ये। तो अगर ये लाइन नहीं होती तो क्या होता है, ये इनफाइनाइट लूप हो जाता है, ये आपका चलता रहता प्रोग्राम हैंग होता रहता आपका। इसमें हम डीबग डॉट प्रिंट की जगह और क्या कर सकते हैं, सेल्फ फंक्शन का भी हम यूज कर सकते हैं। यहाँ पे क्या मांगता है, रो आईडी और कॉलम इंडेक्स नंबर। लेकिन अगर हम यहाँ पे रो आईडी की जगह आई डाल दें और कॉलम इंडेक्स की जगह मैंने 1 डाल दिया, 1 कॉलम में कुछ वैल्यू टाइप करनी है, इक्वल टू आई की वैल्यू ही ले लीजिए, या मेरे को ये टाइप करना है वैल्यू इज, और इसको कनकेट करा दिया आई के साथ, ये टाइप करना है, तो इसमें एरर आ जाएगा। एरर क्यों आ जाएगा, क्योंकि सेल में क्या मांग रहा है, रो का इंडेक्स, और रो का इंडेक्स जो स्टार्ट होता है वो 1 से होता है, तो यहाँ पे इसलिए हमको यहाँ आई इक्वल टू 1 से स्टार्ट कराना पड़ेगा, 0 पे एरर आ जाएगा वो। अब चाहे तो यहाँ से प्ले कराइए या सीट पे आकर के अल्ट एफ एट से, दोनों एक ही बात है। ये मैंने रन कराया 1 2 3 4 5 6 9, ये आ गया। कौन से लूप होते हैं, एक होता है डू वाइल लूप होता है। तो ये क्या होता है, ये तो आपका हो गया डू वाइल लूप। एक होता है डू लूप वाइल, यहाँ पे क्या होता है, लूप के बाद कंडीशन लग जाती है, तो इसको ऑड लूप भी बोलते हैं। ऑड लूप मतलब क्या हुआ, अगर मान लीजिए आई की वैल्यू यहाँ पे 11 डाल दो तब भी ये एक बार कंपाइल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन जो होती है स्टेटमेंट रन कराने के बाद रिपीटेशन की होती है, यहाँ तक ये ऐसे एग्जीक्यूट कराएगा फिर चेक करेगा, अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो वापस ले जाएगा फिर चेक कराएगा। अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं भी होगी, क्योंकि ये लास्ट में चेक हो रही है इसलिए इसको ऑड लूप बोलते हैं, चाहे कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स, तो एक बार कम से कम स्टेटमेंट रन हो ही जाएगा। ये हो गया डू वाइल लूप और डू लूप वाइल। एक लूप होता है हमारा वाइल लूप, वाइल वैंड बोलते हैं, वाइल आई इज लेस देन 10 और यहाँ वैंड, यहाँ पे सिंपल से स्टेटमेंट लगा सकते हैं। डू वाइल लूप जैसा ही है लेकिन इसको वाइल वैंड की तरह लिखते हैं, क्योंकि ये हमारा बेसिक लैंग्वेज से आया हुआ है, उसको सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे वाइल वैंड लूप को भी यहाँ पे डाला गया है। अब इसके अलावा अब चलते हैं अपने मोस्ट इम्पॉर्टेंट लूप पे, जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उस लूप का नाम है आपका फोर लूप, फोर नेक्स्ट लूप और फोर ईच लूप, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उस पर ज़रा ध्यान दीजिएगा। फोर लूप में चलने से पहले एक लूप मेरा रह गया डू अंटिल लूप। ये क्या कहता है, ये फॉल्स कंडीशन पे रन करता है, जैसे मैंने ये लिख दिया डू अंटिल आई इक्वल टू 14। अब जब तक आई की वैल्यू 14 नहीं होगी तब तक ये लूप चलता रहेगा, डू अंटिल आई इक्वल टू 14, यहाँ पे मैंने लूप लिख दिया। अब जब तक आई की वैल्यू 14 नहीं होगी तब तक ये लूप रन करेगा, जैसी आई की वैल्यू 14 हो जाएगी ये लूप ब्रेक हो जाएगा। कैसे, ये देखिए यहाँ पे मैं लिख दिया सेल्स आई कॉमा कॉलम नंबर 2 में वैल्यू इक्वल टू आई की पहुँच। अब यहाँ इटरेशन स्टेटमेंट भी डालनी पड़ेगी आई प्लस 1। यहाँ पे आप किसी भी लूप में आई प्लस 1 भी कर सकते हैं, आई प्लस 2 भी कर सकते हैं, ये स्टेप पे डिपेंड करता है। लेकिन अगर मान लीजिए इस वाले लूप में मैंने आई प्लस 2 कर दिया तो ये प्रॉब्लम क्या देगा, पहले 1 करके इसको चेक करते हैं सही चल रहा है कि नहीं। ये मैंने यहाँ से प्ले किया, ये मेरा यहाँ आ गया। अगर मान लीजिए यहाँ पे मैंने 2 डाल दिया होता तो क्या ये एरर था। एरर कैसे था, ये अभी आई की वैल्यू 1 है तो जब यहाँ पे आता 3 हो जाता, फिर एक बार और रन करता कितना हो जाता 5, फिर 7, फिर 9, फिर 11, फिर 13, फिर 15, मतलब 14 कभी आता ही नहीं, तो ये मेरा लूप इनफाइनाइट लूप हो जाता। तो ऐसी टाइप के स्टेटमेंट से बचना चाहिए। अब चलते हैं फोर लूप पे। फोर लूप की खास बात क्या है, ये इनिशियलाइजेशन इंक्रीमेंट सब एक ही साथ हो सकता है। जैसे ये देखिए 4i = 1 to 10 और नेक्स्ट आई, तो यहाँ पे क्या हुआ, ये देखिए यहाँ इनिशियलाइज भी हो गया, कंडीशन में लग गई, सब एक ही लाइन में लग गया, यहाँ से यहाँ तक चलना है। अब यहाँ पे ले लीजिए सेल्स, सेल किया यहाँ आई कॉमा 3 कॉलम में और वैल्यू हम आई की प्रिंट कर देते हैं। ये मैंने यहाँ से प्ले कराया, ये देखिए वैल्यू प्रिंट हो गई। अब यहाँ पे अगर आप चाहें तो स्टेप भी लगा सकते हैं, या तो आप ऐसे भी काम कर सकते हैं इंटरनली आई प्लस 1 एक बार और कर दीजिए, तो एक बार तो ये इंक्रीमेंट कर ही रहा है, एक बार आप करा दीजिए तो ये स्टेप बढ़ जाएगा, या अगर आप चाहते हैं दो दो स्टेप बढ़े तो इसके लिए यहाँ पे भी स्टेटमेंट है स्टेप 2 लिख दीजिए। अब ये 2 2 करके नंबर करके दौड़ेगा ये,
जैसे कि मान लीजिए अब मैंने यहाँ पे कॉलम नंबर 4 का दे दिया या कॉलम नंबर 3 पे रही है, और यहाँ पे हम क्या कर देते हैं सेल्स डॉट कुछ हम फॉन्ट का कलर ले लेते हैं, तो उसके लिए क्या होगा फॉन्ट कलर इक्वल टू वीवी रेड। ये मैंने वीवी रेड दे दिया, यहाँ से प्ले किया, ये देखिए एक यहाँ पे हमने टाइप किया दो स्टेप टू, तो ये क्या गया एक एक छोड़ के ऐसे बढ़ जाए, तो स्टेप टू का ये हो गया। और यहाँ पे क्या कर सकते हैं जैसे कि मान लीजिए कुछ बैक कलर देना हो कुछ भी चीज़ यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं, बस आपने फोर इंच लूप लगाना है। अच्छा अब आते हैं यहाँ पे नेस्टेड लूप में आते हैं, लूप के अंदर लूप, तो इसमें क्या होगा अगर मान लीजिए ये वाली स्टेटमेंट जो हमने लिखा है तो ये 5 टाइम रन कर रही है, 2 मिनट के लिए यहाँ से स्टेप को हटा देते हैं, स्टेप का तो आएगा आपको समझ में, तो ये क्या कर रही है अभी 10 टाइम रन करेगी। अगर मान लीजिए कोई और मैं यहाँ पे एक और इंटीजर डिक्लेयर कर लिया जे इंटीजर और यहाँ 4j इक्वल टू 1 to 5 या 1 to 10 और फिर यहाँ पे नेक्स्ट j, यहाँ पे नेक्स्ट आई लिखना होगा, बाय डिफॉल्ट एक ही था तो वो ले लिया था उसने, लेकिन यहाँ पे नेक्स्ट आई लिखना चाहिए। ये आ गए यहाँ पे, तो अब ये कितनी बार रन करेगा, तो जब ये लूप एक बार रन करेगा तो इसके बीच की ये स्टेटमेंट है तो ये कब तक कंप्लीट नहीं हो जाएगी, जब तक ये पूरी 10 बार कंप्लीट ना कर ले, 10 बार ये रन ना कर ले। मतलब क्या हुआ ये टोटल यहाँ से यहाँ तक ये 100 टाइम की आइट्रेशन ये कंसिस्ट कर रहा है, 100 टाइम की। मतलब अब देखिए अब यहाँ पे सेल्स ले लेते हैं, सेल्स मैंने क्या किया j, i, जे की जगह रोल नंबर में डाल दिया, वैल्यू इक्वल टू या यहाँ ले लेते हैं इंटीरियर डॉट कलर इक्वल टू रेंडमली कलर ले लेते हैं, RGB लिया रेंडमली 255 रेड में से ले ले, फिर रेंडमली नंबर 255 ही क्यों, मैक्सिमम नंबर इसमें 255 तक ही होते हैं कलर के, तो रेंडमली कोई सा भी कलर ले लेगा, तो यहाँ RGB फंक्शन में क्या है रेड ग्रीन और ब्लू में से इतनी इतनी क्वांटिटी डाल के कोई नया रंग बनाता है ये, तो ये मैंने क्या किया RND 255 रेंडमली नंबर के लिए, ये देखिए मेरा हो गया। अब इसको चलाते हैं तो अब क्या होगा सेल्स जे से लेके आई तक, इसको यहाँ से प्ले कीजिए, ये देखिए रेंडम कलर आपके जनरेट हो गए। तो ये कैसे हुआ होगा अगर मान लीजिए आपको ये अगर आपको ये देखना हो कि हाँ ये कैसे हो रहा है, तो वो कैसे हो रहा है, तो इसके लिए एक कंडीशन है यहाँ पे और डाल देते हैं, एक और कुछ लिख देते हैं। सेल्स जब यहाँ पे आया तो क्या हो सेल्स j, i डॉट वैल्यू इक्वल टू यहाँ पे लिख देते हैं इनर कोड, ये मैंने इनर कोड लिख दिया। जब ये आउटर वाले में जाए तो क्या करें सेल्स i, ये तो एक ही में रहेगा तो कोई फ़ायदा नहीं है, तो ये इनर कोड में ही रहने दीजिए। अब इसको प्ले करा लीजिए, ये देखिए तो ये ऐसे ऐसे करके हो रहा। अगर मान लीजिए ये हम करना चाहें यहीं पर कर लेते एक बार सेल्स, अब यहाँ पे क्या लेते हैं जब भी कहीं पे आएगा तो यहाँ पे हम आई को कॉलम के तौर पे देख रहे हैं ना, तो यहाँ रो ले लेते हैं row, i डॉट वैल्यू इक्वल टू आउटर कोड, ये आउटर कोड ले लिया मैंने। अब यहाँ पे क्या कहते हैं इनर कोड के साथ इसको कनकेट कराते ताकि हमारे पास दोनों वैल्यू रहे, एक वैल्यू हटा नहीं दी, कंकेट करा लिया मैंने। अब इसको रन कराइए, अब यहाँ पे देखेंगे तो क्या हो रहा है ये मेरे जो ऐसे चल रहे हैं तो ये क्या हो ये बार वाले लूप का पहला आइट्रेशन ये हो गया, फिर ये दूसरा आइट्रेशन ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया, और इस पहले आइट्रेशन में जो इनर लूप चल रहे हैं उसके आइट्रेशन ये हो गए। अब चलते हैं फोर ईच लूप पे, अब चलते हैं फोर ईच लूप पे। फोर ईच लूप यहाँ कैसे लगाएंगे, मान लीजिए मेरे को कुछ सिलेक्शन में काम करवाना है, जितनी भी वैल्यू मैंने सेलेक्ट कर रखी है वहाँ पे कुछ रैंडम नंबर आ जाए जितनी भी रेंज में से, तो यहाँ कुछ वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते सेल एज रेंज डिम सेलेक्टेड या सेल रेंज एज रेंज, ये मैंने 2 वेरिएबल डिक्लेयर कर लिए, सेट किया यहाँ पे सेलेक्टेड रेंज को इक्वल टू एप्लीकेशन एप्लीकेशन डॉट सेलेक्शन, ये ले लिया, अब वहाँ से रेंज ले लेगा। अब यहाँ पे लगाते हैं हम फोर ईच सेल इन सेल रेंज, ये हमने किया डॉट सेल्स,
ये पूरे यहाँ पे एक एक करके इनपुट देगा। यहाँ पे अगर रेंज रहते हैं तो यहाँ पे अभी एक एक करके डालता रहेगा। अब यहाँ पे सिर्फ नेक्स्ट लगाना है। तो यहाँ पे क्या हुआ, आपको आइट्रेशन नहीं करना, आइट्रेशन के लिए इनिशियलाइज नहीं करना, स्टेप नहीं देना। जितने भी होंगे यहाँ एरे में एलिमेंट उतनी बार ये रन करेगा। तो ये काम ये हो गया। अब यहाँ पे हम काम क्या करा लेते हैं, सेल डॉट वैल्यू इक्वल टू रेंडमली कोई नंबर दे देते हैं, 255 में से या 100 में से दे दीजिए। 100 में से कोई सा भी रेंडमली नंबर पास हो जाए। देखिए अभी एक ही सिलेक्टेड था तो इतना ही हुआ। मान लीजिए इतना होता सिलेक्टेड तो ये सिलेक्टेड होता। तो अगर मान लीजिए मेरे को इन सब को टोटल करके आपको बताना है, सम करना है, तो वो काम कैसे होता है, तो वो देखिए। सेल तो ये आ गया, तो यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लीजिए पहले से, डिम एस एज इंटीजर ले लीजिए या डबल ले लेते हैं अगर पॉइंट में भी नंबर आए तो। एस इक्वल टू ज़ीरो इनिशियलाइज किया यहाँ पे। अब यहाँ क्या हम क्या किया, जब ये लूप चालू हो तो एस इक्वल टू सेल डॉट वैल्यू, और कैसे हो तो एस प्लस सेल डॉट वैल्यू, जो एस में वैल्यू है वो तो ऐड हो ही। फिर यहाँ पे आकर के मैसेज बॉक्स में एस की वैल्यू दिखा देते हैं, टोटल ही इतना। ठीक है, अब चलते हैं। मान लीजिए यहाँ पे कुछ नंबर टाइप है, आसान से नंबर लेता हूँ ताकि चेक करने में आसानी रहे। ये मैंने सेलेक्ट किया, अब टोटल के लिए इसको प्ले किया। ये देखिए 440 आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, स्टेटस बार में भी। इसको आप यहीं पे रहते हुए भी अल्ट F8 से रन करा सकते हैं। ये मैंने रन कराया तो ये हो गया फोर ईच लूप। अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पे हम मैसेज बॉक्स में थे तो इसके डिटेल में चलते हैं, हम क्या क्या कर सकते हैं इसमें। ये देखिए, जैसे कि माने इसको हटा देते हैं अभी MSG बॉक्स। यहाँ पे क्या करना है, प्रॉम्प्ट क्या दिखाना है। तो हेलो चूज Y फॉर रेड एंड N फॉर ग्रीन, मैंने ये किया। अब इसके बाद कॉमा करेंगे तो ये बटन के लिए ऑप्शन दे रहा है, किस टाइप का बटन आप चाहते हैं, अबॉर्ट, इग्नोर और ये वाला, या VB एप्लीकेशन मॉडल वाला, ये इतने सारे हैं। तो मैंने ये ले लिया, यस नो वाला बटन ले लिया क्योंकि मैं ये चाहता हूँ। अब यहाँ पे क्या हुआ, जो मैसेज बॉक्स आएगा उसका टाइटल बार क्या है, टाइटल पे क्या लिखा है, तो यहाँ मैं लिया कलर सिलेक्शन, ये हो गया। कलर सिलेक्शन के बाद क्या है, हेल्प फाइल है, हेल्प फाइल वो अलग से इनबिल्ट करानी पड़ती है। अब इतने पे रहते हैं, अब इसको रन कराते हैं। ये मैंने रन कराया तो ये आ रहा है, हेलो चूज वाई, वाई मतलब यस फॉर रेड एन फॉर ग्रीन। यहाँ से कुछ किया तो कुछ भी नहीं हुआ। तो यहाँ पे अब क्या करते हैं, कोई वेरिएबल में इसका इनपुट लेकर के देखते हैं वो कैसे काम करता है। मान लीजिए डिम के एज लॉन्ग लिया, लॉन्ग के अंदर इसकी वैल्यू हमने इनपुट करा ली। तो अब क्या होगा, अगर मान लीजिए कोई मेथड आप कॉल कर रहे हैं तो ये क्या होगा, अगर ऐसे कॉल कर रहे हैं तो ये ब्रैकेट में लगाना पड़ता है, अदरवाइज आप ऐसे डायरेक्टली लगा सकते हैं, तो ये ब्रैकेट के अंदर लगेगा, इसलिए आ रहा है। मान लीजिए जब मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, मैंने कोर फंक्शन लिखा कोई, या मैक्रो लिखा कोई, नाम लिखा ओके टेस्ट मैक्रो, ये लिखा। अगर इसको मेरे को यहाँ पे कॉल कराना है, दो रास्ते, एक तो ऐसे भी कर सकता हूँ मैं ओके टेस्ट, ऐसे भी हो सकता है, या ऐसे करके ओके टेस्ट जब ऐसे लिखूँगा तो ब्रैकेट ओपन क्लोज करना पड़ेगा, तो ये काम करेगा ये। अब चलिए यहाँ चलते हैं, ये मैंने प्ले करा, हो गया रन। लेकिन अब इसकी वैल्यू अगर मेरे को चेक करनी है तो क्या करेंगे, डीबग में देख लेते हैं वैल्यू क्या आ रही है। डीबग डॉट प्रिंट इक्वल टू के की वैल्यू यहाँ पे डीबग में प्रिंट कराते हैं। क्लिक किया यहाँ पे वाई, मैंने क्लिक किया तो यहाँ 6 आ गया। प्ले किया, वापस क्लिक किया, नो पे प्रेस किया तो 7 आ गया। तो ये 6 7 इसकी क्या है, इंडेक्स नंबर है। 6 पे यस के लिए और 7 पे नो के लिए। तो इसके बेस पे हम यहाँ पे लिख सकते हैं कुछ भी, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे A1 से लेकर के, या पूरी रेंज ले लेते हैं कोई, A1 से H10 तक डॉट इंटीरियर डॉट कलर इक्वल टू, अगर यहाँ पे क्या है, इफ के इक्वल टू 6 आए तो देन तो ये हो जाए VB रेड हो जाए, एल्स ये भी ग्रीन हो जाए ग्रीन, और यहाँ पे एंड इफ
जो कंडीशन ब्रेक करने के लगा था, क्लिक किया यहाँ पे, अब ये वही पूछा है वाई फॉर रेड, क्लिक किया ये देखिए रेड हो गया। फिर से प्ले करते हैं ग्रीन के लिए, ग्रीन हो गया। तो ये यहाँ से आप चूज करा सकते हैं, यहाँ से यूज़र ने क्या क्या बटन दबाया उसको आप कंफर्म करा सकते हैं। यहाँ पे और भी बहुत सारे टाइप के बटन होते हैं, इसलिए यहाँ पे जो आ रहा है ना सेवन में, इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे अबॉर्ट का भी बटन होता है। जैसे कि मान लीजिए अब मैंने यहाँ पे है ना अपना टाइप बदल दिया, मैंने ये ले लिया अबॉर्ट रिट्राई, तो अब किस टाइप का बटन आएगा ये देखिए, अबॉर्ट रिट्राई इग्नोर, क्लिक किया मैंने अबॉर्ट पर, तो इसकी कोडिंग क्या है, इसकी कोडिंग कुछ अलग है, ये देखिए तीन है उसकी। यहाँ पे आके प्ले किया, अबॉर्ड पे क्लिक किया तो ये तीन आएगी वैल्यू, फिर से यहीं पे प्ले किया रिट्राई की कितनी है चार है। तो ऐसे करके सारे बटनों के यहाँ पे सीक्वेंस दिए गए हैं, आप उनसे काम करा सकते हैं। ये मेरा मैसेज बॉक्स हो गया, अब चलते हैं स्टेटस बार की ओर। अब स्टेटस बार पे आते हैं, स्टेटस बार पे कुछ आपने अगर प्रिंट करना है तो उसके लिए क्या एप्लीकेशन डॉट स्टेटस बार है, बस सिंपली यहाँ पे वैल्यू डाल दीजिए वेलकम टू माय कोड, ये क्लोज करा दिया। ऐसे आप स्टेटस बार पे कुछ भी डाल सकते हैं, देखिए मेरा यहाँ पे ये आ गया वेलकम टू माय कोड, ऐसे ही आप कुछ भी यहाँ डाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे लॉजिक क्या होता है स्टेटस बार पे डालने का, कि अगर मान लीजिए कोई लार्ज कोड है तो हम बीच बीच में यूज़र जो वेट कर रहा है आपका उसको हम अपडेट कराते हैं, इतना और टाइम लगेगा इतना और टाइम लगेगा, तो वो हम एक एक करके करा सकते हैं। कैसे, मान लीजिए मैंने यहाँ पे फोर लूप लगाया वन इक्वल टू टेन, वन टू टेन का नेक्स्ट आई। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, इनपुट बॉक्स, इनपुट बॉक्स पे अभी आया नहीं, उस पर हम अगली वीडियो पे आ जाते हैं। मैसेज बॉक्स पे ले लीजिए, यहाँ पे मैंने किया मैसेज बॉक्स हेलो, ये मेरा प्रिंट होगा बार बार। तो यहाँ पे अगर दिखाना हो स्टेटस बार पे, हाँ जी इतनी बार और चलने वाला है, तो एप्लीकेशन डॉट स्टेटस बार पे, स्टेटस बार पे यहाँ पे वैल्यू डाल सकता हूँ क्या आई, और यहाँ पे कंकेट कीजिए ऑफ टेन, मतलब अभी ये कौन से इंडेक्स पे आई ऑफ टेन, मतलब ये टेन टाइम चलने वाला और अभी इतने नंबर पे है। अब इसको चला के देखते हैं, ये देखिए मैंने प्ले किया यहाँ से, अच्छा आई डिक्लेयर नहीं किया, डिम आई एज इंटीजर कर लेते हैं, अब करते प्ले यहाँ पे, ये हो गया प्ले हो गया, ये मैंने क्लिक किया ओके, तो यहाँ आ गया ना वन ऑफ टू। मैं इस विंडो को छोटी करके दिखाता हूँ, टू ऑफ टू, थ्री ऑफ टू, फोर ऑफ टू, ये देखिए यहाँ पे ये चलता जाएगा, ये नाइन ऑफ टू, टेन ऑफ टू, ये इधर यहाँ स्टेटस बार पे ये स्टेटस अपडेट कराने का काम करता है ये। तो ये स्टेटस बार का हो गया। अब आते हैं इनपुट बॉक्स की ओर, आते हैं वो क्या होता है। अब यहाँ इनपुट बॉक्स पे चलते हैं, इनपुट बॉक्स में क्या होता है, कुछ इनपुट आप रिसीव करा सकते हैं जो यूजर टाइप करके आपको इनपुट देना चाहता है, उसको हम कैसे करा सकते हैं। मान लीजिए अगर आपको किसी रेंज में वो वैल्यू डालनी है या किसी कंडीशन के लिए यूज़ करना है, यहाँ पे एक स्ट्रिंग ले लेते हैं डिम एज स्ट्रिंग, एस इक्वल टू इनपुट बॉक्स लगाएंगे, यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करेंगे, अभी क्या पूछा है प्रॉम्प्ट पूछा है, तो प्रॉम्प्ट में मैं डाल दिया एंटर एनी वर्ड, वर्ड भी ले सकते हैं आप, नंबर भी ले सकते हैं, नंबर को जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे वो नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। एंटर एनी वर्ड, अभी क्या बोल रहा है जो टाइटल पे जो लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है, जो टाइटल बार जो बॉक्स जो आएगा डायलॉग बॉक्स, तो यहाँ पे नंबर एंट्री ले लिया मैंने, या वर्ड एंट्री जो मैं अभी वर्ड एंट्री, ये अब यहाँ क्या रहा है डिफॉल्ट क्या आ रहा है, तो डिफॉल्ट मतलब अगर वो कुछ भी ना टाइप करे तो डिफॉल्ट ये टाइप रहे उसमें, क्या जी हेलो टाइप रहे उसमें डिफॉल्ट कॉमा। अब क्या आ रहा है एक्स और वाई की पोजीशन आ रही है और लेफ्ट राइट कहाँ से आए इसकी अपीयरेंस पे दिखाते हैं, इस पर बाद में आते हैं, ये मैंने ब्रैकेट क्लोज किया। अब इसको यहाँ से रन कराते हैं, अब कहीं पे इसकी वैल्यू हम और दे लेते हैं, कहाँ पे दें रेंज ए वन डॉट वैल्यू इक्वल टू एस, ये मैंने दे दिया, इसको यहाँ से रन कराते हैं। अभी यहाँ पे क्या आ रहा है डिफ़ॉल्ट वैल्यू वही आ रहा है हेलो, और बाय डिफ़ॉल्ट ये सेंटर में आ रहा है, और हेलो के बजाय अगर आप चाहें तो कुछ और आप टाइप कर सकते हैं, कुछ भी चीज़ टाइप कर दीजिए, ये यहाँ पे आ जाएगा अपने आप इस सेल में डाल देगा यहाँ पे, ये काम ही हो गया। अगर मान लीजिए यहाँ पे अब मैं चाहूँ कोई ऐसी कोडिंग डालने की, यहाँ पे अगर ब्रैकेट में एस लिख दूँ,
अब ये क्या पूछेगा है, तो यहाँ पे हम डाल देते हैं एंटर रेंज, हम रेंज ले रहे हैं, रेंज एंट्री ले लेते हैं, इसका नाम चेंज कर लिया। अब यहाँ पे बाय डिफॉल्ट A1 रैम A1। अब यहाँ जाते क्या है, रेंडमली नंबर 5 नंबर जो है प्रिंट हो जाए उसमें, क्लिक किया यहाँ पे, अब यहाँ पे रेंज मांग रहा है, तो A1 दे दिया मैंने बाय डिफॉल्ट पे, ये देखिए नंबर आ गया, इसको प्ले कीजिए। अब यहाँ पे B6 दे दीजिए, तो ये देखिए B6 पे आ गया, प्ले कीजिए। A1 से लेकर के H10 तक ये देखिए क्लिक कीजिए, ओके, ये पूरा ये हो गया। तो ये मेरा इनपुट बॉक्स से हम ऐसे काम करा सकते हैं। तो अब तक जो आप थे तो वहाँ विंडो के इनपुट बॉक्स में थे, वहाँ पे सिर्फ टाइपिंग का काम ही इनपुट आ सकता था। अगर मान लीजिए आप यहाँ पे कहा जाए सिलेक्शन कीजिए वर्कशीट से, उसके लिए आपको एप्लीकेशन का वर्कबुक से यहाँ इनपुट बॉक्स लेना पड़ेगा। वो कैसे, तो यहाँ वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं माई रेंज एज रेंज। अब यहाँ किसी ऑब्जेक्ट में अगर वैल्यू पास कराना पड़ता है तो कीवर्ड यूज करना पड़ता है सेट, सेट माई रेंज इक्वल टू, माई रेंज इक्वल टू क्या, एप्लीकेशन डॉट इनपुट बॉक्स, ब्रैकेट ओपन करेंगे वही, प्लीज सेलेक्ट अ रेंज, सेलेक्ट अ रेंज, सेलेक्ट अ रेंज, यहाँ फिर टाइटल आएगा, सिलेक्शन रिलेटेड टाइटल पे, फिर डिफॉल्ट आएगा, डिफॉल्ट में क्या लिखे हमने, एक्टिव सेल डॉट एड्रेस ले लेते हैं, इसका वैल्यू ले लेगा। अब यहाँ पे क्या है, ये सब छोड़ दीजिए, यहाँ पे लेफ्ट से कहाँ पे पोजीशन होती है, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम की, यहाँ पे एक्चुअली वो डायलॉग बॉक्स जो अपीयर हो वो कहाँ पे है, हेल्प फाइल छोड़ दे। यहाँ जो इम्पोर्टेंट है वो ये है टॉप टाइप है, ये यहाँ पे टाइप में हम क्या डालेंगे, तो कॉमा कर करके टाइप पे आ गया। तो टाइप पे अगर हम जीरो डालते हैं तो ये कोई फॉर्मूला रिटर्न कराएगा। अगर मान लीजिए अब मैं यहाँ पे मैंने डाला का सेट रेंज, तो ये इसके लिए एरर आ जाएगा। फॉर्मूला किस में आएगा, किसी स्ट्रिंग में आएगा, या हाँ आप स्ट्रिंग में ही डाल सकते हैं, कोई नंबर है तो नंबर के लिए यहाँ पे टाइप करना पड़ता है 1, और कोई टेक्स्ट है तो टेक्स्ट के लिए 2 टाइप करना पड़ता है यहाँ पे। यहाँ पे कोई लॉजिकल बूलियन डेटा है तो 4, अगर कोई आपको सेल रेफरेंस लेना है तो यहाँ पे 8, सेल रेफरेंस के लिए 8 हो गया। फिर यहाँ पे हर एक के लिए अलग अलग है, मैं यहाँ पे कमेंट में आपको दिखा देता हूँ कैसे करेंगे। 0 फॉर्मूला के लिए, 1 जो हो गया नंबर के लिए, 2 जो हो गया टेक्स्ट के लिए, 4 बूलियन के लिए, बूलियन मतलब ट्रू या फॉल्स, और फिर 8 हो गया आपका रेंज के लिए जो हम इसमें लेने वाले एग्जांपल में रेंज हो गया। फिर 16 होता है यहाँ पे, ये क्या एरर के लिए होता है। फिर 64 होता है एरे ऑफ वैल्यू, ये एरे लेता है ये। अब देखिए यहाँ पे जो ये सीरियल नंबर है तो ये सीरीज से नहीं है, 0, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे नहीं है। ये क्यों नहीं है, क्योंकि अगर मान लीजिए आपको दोनों चीज़ें लेनी है, आप फॉर्मूला भी ले सके या नहीं, या टेक्स्ट भी ले सके, नंबर भी ले सके, तो यहाँ पे आप टाइप कर देंगे 1 + 2 टाइप करेंगे तो आउटपुट यहाँ पे जो आएगा, यहाँ इसको इनपुट कितना देगा, 3 देगा। तो 3 क्या है, ये इस पूरी रेंज में से जितने भी सीरियल नंबर है तो 3 यूनिक कॉम्बिनेशन है जो सिर्फ इन दोनों से ही बनेगा, तो वो आइडेंटिफाई कर सकता है कि हाँ जी कैसे हुआ। अगर मान लीजिए आपको टैक्स और बुलियन देना है तो यहाँ 6 आएगा। अब देख लीजिए यहाँ पे इस पूरी रेंज में से सीरियल नंबर को आप कहीं पे भी ऐड करेंगे तो 6 नंबर जो मेरा एडिशन से आ रहा है वो यूनिक आएगा। ऐसी सिर्फ 2 ही नहीं, आप 3 भी कर सकते हैं, 4 भी कर सकते हैं, कैसे भी कर सकते हैं, आपका यूनिक वैल्यू लगेगा। इसलिए यहाँ पे जो ये जो है ना टाइप में जो सीरियल नंबर है ये ऐसे दिए गए, 0, 1, 2, 4, 8, 16, 64। अब हमने यहाँ पे 8 ले लिया। अब यहाँ पे ये हमारा ये हो गया। अब चलते हैं यहाँ कंपाइल कराते हैं। ये मैंने कंपाइल किया, ये कुछ सिलेक्शन किया, यहाँ से यहाँ तक क्लिक किया, ओके, मेरे यहाँ पे जो भी वैल्यू थी उसकी वो उसने वापस करके दे दिया होगा। अब उस पर एक्शन कर लेते हैं, जो मेरे पास इनपुट रेंज आया है उस पर अगर कुछ काम करना हो तो हम कैसे कर सकते हैं वो देखिए। अब यहाँ पे एक और वेरिएबल डिक्लेयर करना होगा, डिम सेल हैज रेंज ले लिया मैंने, फॉर ईच सेल इन माई रेंज डॉट सेल्स, ये मैंने फोर ईच बुक लगा दिया, सेल डॉट इंटीरियर डॉट कलर इक्वल टू कुछ भी दे दिए, वी रेड दे देते दे हैं यहाँ पे,
ये मैंने प्ले किया इसको, यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट किया, क्लिक किया ओके, देखिए रेड हो गया। इतने इसके साथ आप और भी कुछ एक्शन कर सकते हैं। अब कोई यहाँ पे हम लूप बना लेते हैं, नेस्टिंग लूप। उसके बाद एग्जांपल दिखाता हूँ एक चीज़ और, एक कीवर्ड्स होता है यहाँ पे, डिम आई एज इंटीजर, जे एज इंटीजर, फोर आई इक्वल टू वन टू हंड्रेड, नेक्स्ट आई जे इक्वल टू वन टू हंड्रेड, नेक्स्ट जे, ये ले लिए सेल्स आई कॉमा जे डॉट इंटीरियर डॉट कलर इक्वल टू रैंडमली आर जी बी रैंडमली 255 रैंडमली 255 रैंडमली 255, ये मैं ले लिया। अब इसको यहाँ से हम प्ले कराते हैं, तो ये देखिए इंटीरियर की स्पेलिंग गलत है, इंटीरियर। अब यहाँ से प्ले कराएंगे, ये देखिए, तो ये क्या हो रहा है, ये बहुत स्लो 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 आपके सामने दिखाई है। मतलब क्या हुआ, स्क्रीन की अपडेशन आपके सामने देखी, कंट्रोल ऑल किया मैंने और यहाँ से ये नो फिल कर दिया, वापस हट गया है। तो ये क्या हुआ, एक एक करके ये क्या हुआ, स्टेटस में ये दिख रहा है कि हाँ जी एक एक करके अपडेट हो रहा है। अगर मान लीजिए यहाँ पे मैं ये कर दूँ एप्लीकेशन डॉट स्क्रीन अपडेट इक्वल टू फॉल्स कर दो यहाँ पे, और फिर लास्ट में आकर के ट्रू कीजिए ना कीजिए आपकी मर्जी है। तो ये क्या होगा, ये जो एक एक करके वो आपको आइटेशन दिख रहा था वो दिखेगा नहीं, वो लास्ट में आकर के बस वो पुट कर देगा। देखिए मैंने ये किया, ये पुट कर दिया। इस केस में अगर हम चाहते हैं कि यूज़र जो वेट कर रहा है उसको स्टेटस में अपडेट कराना है, तो वो हम कैसे करा सकते हैं, वो हम स्टेटस बार में करा सकते हैं। कैसे, तो ये आ जाइए, ये क्लिक किया यहाँ पे, तो यहाँ मैंने यहाँ इंटरनल लूप पे करना गलत हो, क्योंकि बहुत बार रिपीट करेगा है। तो एप्लीकेशन डॉट स्टेटस बार इक्वल टू आई ऑफ हंड्रेड ऑफ हंड्रेड, ये इतनी बार चल रहा है। ये देखिए यहाँ पे ट्रू हो रहा है। अब देखिए ये मैंने क्लिक किया यहाँ से प्ले का, अब देखिए ये आ रहा है मेरे पास ये, और ये मेरे पास आ गया आउटपुट पूरा ये। तो इस तरीके से ये होता है। तो अब इस वीडियो में आते हैं, एरे के बारे में जानते हैं। यहाँ मैं लिख दिया ऑप्शन एक्सप्लिसिट, इससे मेरे को वेरिएबल डिक्लेयर करना ही पड़ेगा। तो वेरिएबल में हम ऐसे डिक्लेयर करते थे, वेर वन एज इंटीजर किसी भी टाइप का, डिम वेर टू एज स्ट्रिंग। यहाँ पे अगर आप यहाँ ब्रैकेट ओपन ओपन कीजिए और यहाँ पे डाल दीजिए टोटल कितने एलिमेंट चाहिए। यहाँ मैंने 9 डाला था, टोटल मेरे पास 10 एलिमेंट आएंगे, क्योंकि इसकी इंडेक्सिंग जो होती है बाय डिफ़ॉल्ट 0 से स्टार्ट होती है। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए 5 डाल दिया मैंने, तो टोटल इसके अंदर 6 आएंगे। तो ये मेरा एरे बन गया, ये वेर वन वेर टू दो एरे। इसके अंदर वैल्यू कैसे आप डाल सकते हैं या वैल्यू एक्सेस कैसे करा सकते हैं, तो वेरिएबल नेम लिखेंगे एरे का वेरिएबल जो है, और ब्रैकेट ओपन करके या इंडेक्स नंबर लिखेंगे 0 इक्वल टू 10 ऐसे, या एक काम कर लेते हैं फॉर लूप से इसको इनिशियलाइज करा लेते हैं। डिम आई एज इंटीजर 4i इक्वल टू 029, ये है द वेयर 1 i इक्वल टू रैंडमली कोई सा भी एक नंबर डाल देते हैं, नेक्स्ट i, ये मैंने ये करा लिया। अगर मान लीजिए आप इस वैल्यू को कहीं पे एक्सेस भी कराना है, तो फिर से वही कर लीजिए आई इक्वल टू 029 और यहाँ सेल्स आई कॉमा 1 डॉट वैल्यू, ये मेरे को एक्सेल में इंसर्ट करने देगा, इक्वल टू वेयर 1 ब्रैकेट में इंडेक्स की वैल्यू जो भी आ रही है, नेक्स्ट आई। ये मैंने यहाँ से फॉर लूप से इनिशियलाइज करा लिया वेयर में, और या इस वाले फॉर लूप से उसमें जो भी कुछ वैल्यू है उसको एक्सेस करा के देख रहा हूँ। क्लिक किया, यहाँ पे एरर आ गया। एरर क्यों आया, क्योंकि सेल जो होता है वो आपका 0 से स्टार्ट नहीं होता है। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, प्लस 1 करना पड़ेगा, ताकि मेरा सेल की आईडी 1 से स्टार्ट हो। अब देखिए ये वैल्यू ये आ गई,
कहाँ से 1 से लेके 10 तक की टोटल कितनी होगी? 9। 9 वहां पे डाला था हमने लेंथ, तो 0 से स्टार्ट हुआ तो टोटल 10 हो गया। यहाँ पे ये होता है। अब चलते हैं यहाँ पे और भी किस किस टाइप के एरे होते हैं उस पर बात करते हैं। अब जैसा आपने यहाँ पे देखा तो यहाँ पे क्या हुआ था, 0 से इंडेक्स जो स्टार्ट हो रहा था वो सेल में एरर दे रहा था। अगर मान लीजिए मैं चाहता हूँ ये स्टार्टिंग ही 1 से हो, तो यहाँ पे मेरे को लिखना होगा ऑप्शन बेस 1। तो जितने भी एरे आप डिक्लेयर करेंगे उनका इंडेक्स 1 से स्टार्ट होगा, अब 0 से स्टार्ट नहीं होगा। तो यहाँ पे अब आपको 1 लिखने की है जरूरत, क्योंकि एरर दे देगा ऐसे ही। मान लीजिए इसी पर रन कराते एरर दे देखने के लिए देखिए आ गया। अब ये क्या बोले, इसमें है ही नहीं वो चीज़ जो यहाँ पे प्लस करने की जरूरत नहीं है। और अच्छा एक बार करा रहे थे, ये देखिए अब यहाँ पे आ गया। इसको 1 से कराइए, इधर ले कराते हैं, आपको वापस वही हो गया, रन हो गया। तो इसमें क्या हो गया, ऑप्शन बेस 1 जब हम डालेंगे यहाँ पे, तो अब जो मैंने यहाँ पे 9 एलिमेंट के साथ डिक्लेयर किया, ये 1 to 9 होगा, तो टोटल 9 ही होगा। तो यहाँ पे आप ऑप्शन बेस 1 लिख सकते हैं, जिससे उसकी इंडेक्सिंग जो है 1 से स्टार्ट हो। या अल्टरनेटिवली भी आप अगर चाहें तो यहाँ पे इसका बेस यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। जैसे आप वेरिएबल डिक्लेयर कोई कर रहे हैं, मान लीजिए यहाँ पे कर रहे हैं, तो मैंने डाल दिया 2 to 14 ले लीजिए, या ये ले लीजिए 6 to 14। तो इसमें अब क्या होगा, तो इसमें 6 से लेके 14 तक ये वेरिएबल आ गए। अब आप जब यहाँ पे आएंगे तो फोर लूप में 4i 6 to 14 लिखना होगा। ऐसे यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे भी 6 to 14 लेके लिखना होगा। तो अब यहाँ पे हमने बेस अपनी मर्जी से डाल दिया 6 to 14। ये देखिए 6 to 14 में ही काम करेगा ये। तो ये हो गया। तो इसमें आप अगर आप चाहें तो ऐसे डिक्लेयर कर सकते हैं, ये किसी भी टाइप में डिक्लेयर कर सकते हैं। अब आते हैं 2D एरे पे। 2D एरे क्या होता है, 2 डायमेंशनल एरे। तो उसको आप कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं, उसको ऐसे डिम माई लिस्ट, यह मैंने क्या डाल दिया 2,3। अब 2,3 इसको इंटीजर में ले सकते हैं या स्ट्रिंग ले सकते हैं, इंटीजर में ले लिया। तो ये क्या हुआ, ये मेरा 2D एरे हो गया है, 2 डायमेंशनल एरे। तो यहाँ पे जो बाय डिफॉल्ट ये हमने डाल दिया ऑप्शन बेस 1, तो इसकी जो होगी बेस स्टार्टिंग 1 से होगी। तो ये 2x3 का एरे है। तो इसको हम कैसे एक्सेस कराएंगे, यहाँ पे सेम वही है फोर लूप के साथ, यहाँ पे हम नेस्टेड लूप लगाना होगा। यहाँ पे क्या करना होगा, 0 0 से नहीं स्टार्ट होगा, 1 से होगा, 1 1 डॉट वैल्यू नहीं करने की जरूरत है, यहाँ पे सिर्फ कोई भी नंबर दे दीजिए। तो ये मेरा ऐसे ही स्टार्ट हो जाएगा। इसको चेक कर लेते हैं, ये देखिए जन चल रहा है एकदम बराबर। अब ये क्या है, इसको अगर आप चाहें तो वो जो हम अभी कर रहे थे यहाँ पे 2 वाले सिंटेक्स में भी आप कर सकते हैं 2 2 9। तो ये मैंने क्या किया, एक डायमेंशन ये दे दिया, एक डायमेंशन ये 2 2 3 2 6 ले लिया। तो ये मेरा क्या हो गया, तो ये ऐसे भी डायमेंशन यहाँ पे डिक्लेयर कर सकते हैं। तो ये मल्टी डायमेंशनल एरे हो गए। इसको इनिशियलाइज कैसे कराएंगे, फोर लूप से देख लेते। तो यहाँ पे हमको 2 लूप लगाना पड़ेगा, डिम आई एज इंटीजर, जे एज इंटीजर, 4i इक्वल टू 2 to 9 ले लिया। तो ये मैंने क्या किया, इंडेक्स नंबर पहले वाले के लिए ले लिया, जो ये 5 डायमेंशन में जो है। अब दूसरे वाले में जो है उसके लिए एक और लूप लगाया, 4j इक्वल टू 3 to 6 नेक्स्ट जे। अब यहाँ पे वैल्यू इनिशियलाइज कराते हैं, माई लिस्ट ब्रैकेट ओपन किया, और ब्रैकेट ओपन करके मान लीजिए कोई वैल्यू डालना है, तो अभी हम ऐसी वैल्यू डाल लेते हैं, माई लिस्ट i,j इक्वल टू, यहाँ पे इंटीजर में वैल्यू है तो i+j की वैल्यू यहाँ पे इंसर्ट कर देते हैं, ये ले लेगा। अब इसको दिखाना है तो कैसे करेंगे, तो वापस आ जाइए, इसको आउटपुट पहले यहाँ से हटा लेता हूँ ताकि मेरा साफ साफ क्लियर विजिबल हो। अब इसको वापस चेक कराना है तो कैसे करेंगे, सेल i,j, या अगर आप चाहें तो एक ही सेल में दिखा सकते हैं वो कर देगा, तो यहाँ से इक्वल टू हटा दीजिए, ये मेरा वैल्यू एक्सेसिबल हो जाएगा। ये देखिए ऐसे 2D में एरे हो गया ये। तो ये क्या हुआ, ये जो 5 वाली वैल्यू कहाँ पे एंट्री होगी, ये माई लिस्ट के इंडेक्स 2 और 3 में, क्योंकि 2 और 3 स्टार्टिंग के है, तो यहाँ से स्टार्टिंग हुआ। अगर मान लीजिए मैं इसको ऐसे देने के बजाय सिर्फ ऐसे ले जाता, जैसे कि जे और ये, जैसे मान लीजिए ये रहा, ये सेल का इंडेक्स है i+j, मैंने यहाँ पे वैल्यू डाल दिया, और यहाँ पे कॉलम नंबर 1 में चाहता हूँ बस वैल्यू आ जाए, तो इसको ऐसे भी दिखा सकते थे। ये देखिए सारी वैल्यू वही है, ये ऐसे ऐसे भी आ सकती थी।
या अगर आप चाहें तो कैसे भी, अगर आप चाहें तो एक एक करके अलग अलग वैल्यू है, तो एक मिनट वो भी करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये लिया आई प्लस जे हो रहा है, तो जब जब यहाँ पे एंट्री हो तो यहाँ पे एक और वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं के एज इंटीजर, के की वैल्यू 1 दे देते हैं। अब क्या करते हैं यहाँ पे, यहाँ पे रो इंडेक्स में हम के दे देते हैं और फिर नेक्स्ट लाइन में के इक्वल टू क्लेम के प्लस 1 कर देते हैं। अब देखिए ये यहाँ पे अब क्या करेगा, सीरीज से वेरिएबल डिक्लेयर करता है। 5 से लेकर के 12 तक यहाँ पे था, ये देखिए 5678 5678 ये रहा, फिर क्या 6789 6789 ये रहा, फिर क्या 7 8 9 10 7 8 9 10 ये रहा। तो ये आपका सिंगल कॉलम में दिखा दिया। तो इस तरीके से कर करके आप कैसे भी एक्सेस करा सकते हैं। अब चलते हैं डायनेमिक एरे पे, डायनेमिक एरे हम कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं और उसका यूज़ कैसे होता है। अब डायनेमिक एरे बनाने के लिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पहले कोई भी आप ले लीजिए, टिम एर ब्रैकेट ओपन क्लिक कीजिए और एज इंटीजर या स्ट्रिंग जो भी आप चाहें। अब ये क्या हुआ, ये मैंने सिर्फ एरे डिक्लेयर किया है, इसका साइज मैं बाद में डाल सकता हूँ। जैसे कि रिडीम किया यहाँ पे, रिडीम एर यहाँ पे 8 डाल दीजिए, ये मेरा बन गया। ये 8 करेक्टर का इंडेक्सिंग कहाँ से स्टार्ट हुई, 1 से स्टार्ट हुई, 4i=1 to 8 और यहाँ पे नेक्स्ट आई कीजिए और इस पे एर में आई के इंडेक्स में कोई वैल्यू आप डाल दीजिए। जैसे कि मान लीजिए मेरे को 10 10 डालना लगता, ये वेरिएबल नॉट डिफाइंड आई के लिए बोल रहा डिम आई एज इंटीजर, इंटीजर। आप चेक करते हैं, देखिए मेरा हो रहा कंपाइल एकदम सक्सेसफुली। तो ये मैंने क्या किया, रीडिम मतलब पहले एरे डिक्लेयर कर दिया फिर उसका साइज बाद में दिया। इसका साइज आप कहीं और से भी ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए कहीं से इनपुट करा करके आपने साइज लेना, वो कैसे होगा। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने लिख दिया रेंज डबल कोट्स में A1 डॉट वैल्यू। अब ये क्या करेगा, इसका जो है ये सिंटेक्स डिक्लेयर करेगा ये कहाँ से है। तो अब इसमें चक्कर क्या है, ये अब तो आपको पता नहीं है ये कहाँ पे है। ये इसके लिए दो मेथड दिए गए हैं यहाँ पे, एल बाउंड और यू बाउंड। एल बाउंड और यू बाउंड से आप क्या क्या पता कर सकते हैं, अगर मान लीजिए कोई एरे यहाँ पे डिक्लेयर है जैसे डिम के 229 एज इंटीजर। अब इसका एल बाउंड क्या होगा, यू बाउंड क्या होगा, वो अगर आपको फाइंड करना हो तो एल बाउंड यहाँ पे तो 2 है, यहाँ पे यू बाउंड 9 है, लेकिन उसको अगर आप कोड से फाइंड कराना चाहते हैं तो एल बाउंड और यू बाउंड दो यहाँ पे फंक्शन दिए गए, उसका यूज़ करके आप करा सकते हैं। ये देखिए अब यहाँ पे आते हैं, वैल्यू वहाँ से ले लेगा। तो एल बाउंड किया मैंने यहाँ पे एल की एरे का दे दिया, फिर यू बाउंड लगा इधर और यहाँ पे एरे का ही दे दिया। तो ये एल बाउंड यू बाउंड एरे का वो सिंटेक्स फाइंड कर लेंगे कहाँ पे है ये, और उसको एक्सेस करा देंगे यहाँ पे। यहाँ मान लीजिए कोई रेंडमली नंबर दे देते 100 में से, और फिर इसको अगर मान लीजिए फिर वापस से प्रिंट कराना हो तो वो हम कैसे करा सकते हैं। यहाँ पे ले लीजिए सेल्स आई कॉमा 1 डॉट वैल्यू इक्वल टू ये, यहाँ से हटा दीजिए, ऐसे प्रिंट भी करा सकते हैं। चलिए इसको चेक करते हैं, सबस्क्रिप्ट आउट ऑफ रेंज। ये 0 है सॉरी, यहाँ पे कोई वैल्यू डाल देते हैं। अब देखिए मैं चल गया, तो जो भी एरे यहाँ पे A1 में जो भी वैल्यू होगी उतने डायमेंशन का ये एरे बन जाएगा। 12 डाला मैं, 12 का बन गया, 10 डालता हूँ इधर तो ये 10 का बन गया, ये तो ये 10 तक आया, 10 तक नहीं आ रहा क्योंकि 12 में पहले प्रिंट हो गया। तो यहाँ पे अब देखिए मैंने 5 डाला और यहाँ से प्ले कराया तो इसे 5 तक का आएगा। अब इसको हटा दीजिए, अब यहाँ पे अगर मान लीजिए यहाँ पे डाल देते 100 तो ये 100 तक हो गई है, ऐसे ही डायनेमिकली डिफाइन हो गया। अब इसको हटा दीजिए और वापस डाल देते हैं यहाँ पे 14 डाल देते हैं तो ये सिर्फ 14 तक रन होगा, ये देखिए 14 तक हो रहा नहीं है। तो बस ये है, और इसमें क्या है वो भी दिखाता हूँ। अब पिछली बार जैसे हमने यहाँ देखा था फंक्शन कैसे लिखते हैं या कोई प्रोसीजर कैसे लिखते हैं, तो इसके अंदर कुछ जैसे एक्सेल में आपके पास
कुछ बिल्ट इन फंक्शन होते हैं, सम का प्रोडक्ट का, जैसे ये सारे फंक्शन, वैसे ही यहाँ पे भी VBA में इसके भी कुछ बिल्ट इन फंक्शन होते हैं, उनको भी आप कैसे यूज कर सकते हैं वो एक एक करके देखते हैं। मैं आपको थोड़े बहुत एग्जांपल दिखाता हूँ, फिर बाद में आपको प्रैक्टिस के दौरान बड़े सारे वो फंक्शन आते जाएंगे, फिर आप सीखते जाएंगे। अब यहाँ पे आते हैं, कोई फंक्शन चेक कर लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए मैंने किया डिम एस एज स्ट्रिंग। अब एस में कोई टाइप है, हेलो टाइप है, तो हेलो को अगर मेरे को स्मॉल में करना है तो जो एक्सेल में क्या होता है, एक्सेल में होता है लोअर होता है, यहाँ पे अगर मान लीजिए कहीं पे हेलो टाइप है कैपिटल में, और इसको अगर आप चाहते हैं स्मॉल केस में तो लोअर से आप कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार के से यहाँ पे भी बहुत सारे फंक्शन होते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, एस इक्वल टू एल केस, यहाँ पे लिखते हैं एल केस एल, तो ये क्या होगा, एम एस जी बॉक्स में चेक कर लेते हैं, एस की वैल्यू प्ले कीजिए, ये स्मॉल में हो गया, तो एल केस से स्मॉल में होता है। यहाँ पे यू केस होता है, यू केस से कैपिटल में होता है, यू केस ऑलरेडी है ही, अगर मान लीजिए ये स्मॉल में होता तो ये ऐसे काम करता है, ये कैपिटल में आ गया। यू केस होता है लेफ्ट फंक्शन होता है, लेन फंक्शन होता है, अगर आप मान लीजिए इसका लेन काउंट करना है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, लेन, तो ये टोटल की क्या करेगा, लेंथ दिखा देगा, ये फाइव करेक्टर का, अगर मान लीजिए और करेक्टर जोड़ते हैं तो ये इसकी लेंथ बताता है। तो ऐसे टाइप के बड़े सारे फंक्शन होते हैं। और देखिए और क्या होता है, यहाँ पे एक चीज़ होता है इज, अब यहाँ पे बड़े सारे इज वाले फंक्शन होते हैं कि ये इज नंबर है कि नहीं है, इज एरे है कि इज एम्प्टी है, क्या ये जो इसमें जो एस की जो वेरिएबल है खाली है, या कोई एरर है, नल है, या इज न्यूमेरिक है। इज न्यूमेरिक पे आ जाइए, ब्रैकेट ओपन किया, यहाँ एस की वैल्यू डाल दिया, अगर ये न्यूमेरिक होगा तो ये ट्रू दिखाएगा, अदरवाइज ये फॉल दिखाएगा। तो इज न्यूमेरिक ये क्या किया, एस में क्या डाला हमने, लेंथ डाला तो न्यूमेरिक है, तो ये ट्रू आ गया। अगर मान लीजिए यहाँ पे हम डाल देते भाई एल केस, मतलब स्ट्रिंग आएगा वापस, तो अब ये फॉल्स हो जाएगा। तो इज वाले फंक्शन होते हैं, और भी बहुत सारे टाइप्स के फंक्शन होते हैं, वो आपको एक एक करके यूज़ करने के टाइम पे वो आ जाएगा। फिर भी यहाँ पे कुछ थोड़े बहुत और दिखा देता हूँ मैं, और भी कई सारे टाइप के फंक्शन होते हैं, डेट के, टाइम के, डेट के, डेट मैंने ले लिया, के इक्वल टू कोई डेट डाल देते हैं, 24 डेट होगी ये, फिर 1995 डाल दिया, डबल कोट्स क्लोज। अब यहाँ पे एक इंटीजर है, डिम आई एज इंटीजर, अगर मान लीजिए इस डेट का सिर्फ मेरे को एक पार्ट लेना है, ईयर लेना है या मंथ लेना है, तो वो हम कैसे ले सकते हैं, आई इक्वल टू ईयर ऑफ के, एम एस जी बॉक्स में आई की वैल्यू दिखा देते हैं, ये देखिए चौबीस लिखा था मैंने, गलती हो गई, 24 लिखा, ये देखिए 1995 ईयर आ गया। ऐसी और भी फंक्शन होते हैं, जैसे मंथ का होता है, मंथ आ जाएगा बाहर, ईयर होता है। अगर आप मान लीजिए आपको ये सारे फंक्शन देखने हो तो आप कहाँ से देख सकते हैं, यहाँ पे व्यू में आइए, ये रहा ऑब्जेक्ट ब्राउजर, ये सारे फंक्शन दिखा देगा, कौन कौन से होते हैं, बहुत सारे होते हैं, आप एक एक करके यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी जो चेक किया था मंथ वाला, एम पे आ जाइए, ये मॉडल ओपन हो गया होगा, डेट टाइम मेरा, ये देखिए डेट टाइम में आ गया, डेट टेबल है, डेट टाइम में आ गया, तो ये सारे फंक्शन, ये रहे मंथ का, ये रहा आवर का, ये रहा, तो ये अलग अलग फंक्शन है, ये सारे आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे कैसे, अलग अलग कैटेगरी वाइज, अलग अलग क्लासेस वाइज यहाँ पे है। और क्या कर सकते हैं आप यहाँ पे, एक चीज़ और है, वर्कशीट फंक्शन, इसके अंदर जो एक्सेल पे वर्कशीट पे जो जो फंक्शन लगाते हैं वो आप सारे यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए सम है, सब टोटल है, सारा कुछ एज इट इज काम होता है, जैसे आर्गुमेंट वहाँ पास करते हैं वैसे ही यहाँ पे भी आपको पास करना पड़ता है। तो ये हमारा वर्कशीट फंक्शन हो गया। इन सब का इस्तेमाल एक एक करके, वो आपके वो काम के ऊपर डिपेंड है कि किस काम में आता है। तो यहाँ व्यू से, ऑब्जेक्ट ब्राउजर से आप हर एक फंक्शन की डेफिनेशन भी देख सकते हैं, किस काम में आता है और कौन कौन से उसके अंदर ऑप्शन है, सब कुछ यहाँ पे चेक कर सकते हैं। अब आते हैं फंक्शन को एबनॉर्मली या किसी एक लूप को या किसी एक बॉडी को एबनॉर्मली एग्जिट कैसे कर सकते हैं। तो वो देखिए, मान लीजिए यहाँ मैंने 4i इक्वल टू 1 टू 10 तक ये लूप लगाया,
नेक्स्ट आई किया। अब इसके बाद क्या हो गया, मैंने यहाँ पे आकर के कुछ यहाँ टाइप कर लेते हैं, जैसे कि डीबग में ही प्रिंट कर लेते हैं, डीबग डॉट प्रिंट मैंने डाल दिया, एंड ऑफ मैक्रो, ये सब प्रोसीजर एंड ऑफ सब ये मैंने डाल दिया, यहाँ प्रिंट हो जाए। यहाँ पे जब आए इफ कंडीशन लगा आई इक्वल टू 6 देन एग्जिट 4 कर दिया मैंने। तो ये क्या किया, 1 से लेके 10 तक चलना था, लेकिन जो मैंने यहाँ एग्जिट 4 लिख दिया, तो अब देखिए क्या होता है, ये एग्जिट क्या हो गया, ये जैसे ही लूप चलता गया तो यहाँ पे भी एक बार डीबग प्रिंट करा देते हैं, डीबग डॉट प्रिंट या आई की वैल्यू दे देते हैं। अब वापस चेक करते हैं इसको, अब देखिए क्या आएगा, तो ये सिर्फ 6 बार ही आया, जैसे ही इक्वल टू वैल्यू 6 हुई तो इसने क्या किया, फोर लूप से बाहर आ गया, और ये क्या हो गया, एग्जिट सब आ गया। अगर मान लीजिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एग्जिट सब, अब ये क्या करेगा, लूप से तो बाहर आएगा, ये सबसे भी बाहर आ जाएगा, वो कैसे, वो देखिए क्लिक किया, ये देखिए इस लूप से भी बाहर आया, और इसने ये क्या हुआ, ये प्रोसीजर में जो ये लिखा हुआ था इस लाइन को भी एग्जीक्यूट नहीं करने दिया, उससे भी एग्जिट आ गया। अब आते हैं गो टू और विथ कमांड पे, देखते हैं उसके थ्रू अगर आप चाहें तो कोई लूप भी बना सकते हैं कैसे, वो आपको अगली अभी दिखाते हैं इसमें। अब मान लीजिए यहाँ पे कोई आप ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं जिसकी कोडिंग बड़ी लंबी हो रही है, जैसे कि मैंने ये लिया रेंज A1 से लेकर के H10 तक ले लेते हैं, डॉट वैल्यू इक्वल टू रैंडमली कोई नंबर आ जाए, और क्या हो, रेंज A1 से H10 तक डॉट फॉन्ट डॉट कलर इक्वल टू कुछ हो जाए, जैसे कि ब्यूटी रेड हो जाए, ये ऐसी और भी कोई कोडिंग है, ये मैंने कर रखा है, कलर भी हो सकता है, और क्या हो सकता है, डॉट बैकग्राउंड कलर बोल्ड हो जाए तो बोल्ड के लिए यहाँ टू लिख दिया मैंने, ये काम हो रहा है, और क्या हो सकता है, बोल्ड हो जाए, कलर इंडेक्स, फॉन्ट नेम यहाँ बदल लीजिए, ये मैंने डाल दिया टाइम्स न्यू रोमन फॉन्ट हो जाए, और क्या हो सकता है, देख लेते हैं यहीं पे, फॉन्ट स्टाइल हो गया, साइज हो जाए, साइज कितना हो 12 हो जाए, मान लीजिए इतना ही है, अभी और भी कुछ हो सकता है। तो ये हम क्या कर रहे हैं, इतनी कोडिंग बार बार रिपीट करने के बजाय हम इसको विथ के साथ हम काम करा सकते हैं, पहले यहाँ पे विथ लगाते हैं फिर ऊपर लगाएंगे। ये मैंने क्या किया, ये कोडिंग बार बार रिपीट हो रही थी, तो मैंने क्या किया, विथ रेंज A1 से H10 डॉट फॉन्ट ये मैंने ले लिया, और इसको कहीं पे एंड विथ करना पड़ता है, तो अब यहाँ से यहाँ तक विथ का रेंज हो गया, बस डॉट लगाइए उसकी प्रॉपर्टी आगे वाला आ जाएगा, कलर इक्वल टू बीबी रेड, हाँ जी, डॉट साइज इक्वल टू 12 या 20, डॉट फॉन्ट डॉट नेम इक्वल टू टाइम्स न्यू रोमन डॉट, ये सारी प्रॉपर्टी आ जाएगी। यहाँ से आप कुछ भी कर सकते हैं, इसको प्ले कराइए यहाँ से F5 से, देखिए ये अपने आप ही हो गए, ये जहाँ से जहाँ तक है अपने आप कोई रैंडमली नंबर आ गया, इसमें 21 मान लीजिए यही था, और ये क्या हुआ, फॉन्ट में अगर होम टैब में जाएंगे तो ये फॉन्ट दिखा देगा, इसको स्टॉप कीजिए, यहाँ से होम टैब में आ जाइए, इसको बड़ा कर लेते तब दिखाए, ये देखिए टाइम्स न्यू रोमन हो गया, फॉन्ट 20 हो गया, रेड कलर हो गया। तो ये ऐसे आप काम करा देते विथ के साथ। अब चलते हैं गो टू की ओर, गो टू के साथ परफॉर्म करते हैं, तो ये मैंने ले लिया यहाँ पे एक लेबल का नाम दे दिया माई कोड, ये मैंने लेबल डिक्लेयर कर दिया, या माई लेबल वन दे देते हैं, कोड से कन्फ्यूजन हो जाती, लेबल डिक्लेयर कर दिया। यहाँ पे आई की वैल्यू 0 से इनिशलाइज किया, यहाँ पे आई इक्वल टू आई प्लस 1 हो जाए, और क्या करें, जब यहाँ पे हम देख रहे हैं तो
डीबग में प्रिंट करा लेते हैं या सेल में प्रिंट करा लेते हैं। सेल आई सेल्स आई कॉमा वन डॉट वैल्यू इक्वल टू आई की वैल्यू प्रिंट करा लिया। इफ आई इज लेस देन 10 देन क्या करें, गो टू माई लेबल ये मैंने क्लिक करा लिया। तो अब ये क्या हो गया, ये मेरा लूप बन गया। यहाँ पे किसी लूप का इस्तेमाल किए बगैर ही यहाँ पे गोटू के इस्तेमाल से हम लूप कर लेते हैं। देखिए वो चलता गया बार बार। अब इस गोटू का कहाँ पे मेन यूज़ होता है, एरर हैंडलिंग के लिए यूज़ होता है। अगर कोई एरर आए तो उसको हैंडल कैसे किया जाता है, तो अभी चलते हैं एरर हैंडलिंग पे, फिर उसके बाद देखते हैं। ये मैंने कुछ यहाँ पे कोडिंग करा रखी है, तो इसको यहाँ से रन कराते हैं। ये मेरा सब प्रोसीजर है, ये फंक्शन है, ये मेरे को रैंडमली वैल्यू वापस कर रहा है। तो अब चलते हैं, यहाँ से मैंने इसको रन कराया तो एरर आ गया। एरर में दो ऑप्शन है, एंड करने का, डीबग करने का। डीबग करते हैं तो यहाँ पे आ जाता है, इस वाली लाइन में एरर है। अब इस एरर को कैसे हैंडल कर सकते हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे ऑन एरर गो टू, एक लेबल का नाम दे देंगे। लेबल का नाम आपको बाद में कहीं यहाँ पे डिक्लेयर करना होगा, कॉलन लगा करके आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, एक से ज़्यादा भी अगर आप यहाँ पे चाहें तो लेबल डाल सकते हैं, लेकिन नॉर्मली केस में एक ही डालते हैं। उसको फिर बाद में इफ़ करके हम हैंडल कर लेते हैं। कैसे, मैसेज बॉक्स अभी दिखाता हूँ आपको। मैसेज बॉक्स में हमने दिखा दिया यहाँ पे एरर, ये आ गया, क्लिक करते हैं यहाँ से प्ले पे, तो ये क्या हुआ, एरर आ गया। मतलब ये लूप यहीं पर ब्रेक हो गया। ये तो एरर के लिए और क्या कर सकते हैं, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन भी दे सकते हैं। एरर के लिए डिस्क्रिप्शन है, हेल्प कॉन्टेक्स्ट है, लास्ट नंबर है, एरर नंबर है, आप कुछ भी। तो डिस्क्रिप्शन यहाँ पे हम प्रिंट करा लेते हैं। क्लिक किया इधर, ऐसे आ गया एप्लीकेशन डिफाइंड और ऑब्जेक्ट डिफाइंड एरर, इसमें कोई एरर है। तो यहाँ पे ये क्या हो सकता है, ये सीधा एरर पे ले, अगर हम चाहते हैं आइट्रेशन में एक को छोड़ के फिर अगले पर ट्राई करें। तो यहाँ पे क्या है, तो ऑन एरर रिज्यूम नेक्स्ट यहाँ पे लिख देंगे गो टू के बजाय, तो ये अगले आइट्रेशन पे ध्यान देगा, रिज्यूम नेक्स्ट, तो ये नेक्स्ट आई पे आ जाएगा। अब ये चेक करते हैं, ये देखिए यहाँ आपका पूरा रन भी हो गया। जैसे कि इसको हटा देंगे फिर आपको दिखने में आएगा रन हुआ कि नहीं हुआ। वैल्यू हटा दिया वहाँ से, यहाँ से प्ले किए, देखिए पूरा रन भी हो गया। ये एरर भी है, तो ये एरर की भी वैल्यू एग्जीक्यूट हो गई है, वो भी एग्जीक्यूट हो रही है। अब चलते हैं यहाँ पे ध्यान देते हैं कि एरर आ कहाँ से रहा है। तो उसके लिए हम कैसे चेक कर सकते हैं, यहाँ ब्रेक पॉइंट लगा करके कहीं पे भी जहाँ पे भी आपको डाउट है यहाँ से करना है तो वहाँ ब्रेक पॉइंट लगा सकते हैं। डीबग में देखेंगे तो ये रहा, स्टेप इन टू है, ये सब कैसे होगा, इसको स्टॉप कराइए और वापस इसको प्ले कराते हैं। तो अब यहाँ पर आकर के रुक जाएगा, पूरा एग्जीक्यूट नहीं होगा। ये देखिए अगर मैं यहाँ पे ब्रेक पॉइंट लगा करके इसको यहाँ से अगर रन करते हैं तो ये पूरी वैल्यू नहीं आएगी, ये आपको एक एक करके दिखाएगा। तो इसके इनटू में अगर आपको और डीप जाना है तो इनटू के लिए शॉर्टकट की F8 है। अगर ओवर करना है, ओवरव्यू में सिर्फ जाना है Shift-8। अगर आपको आउट करना है, मतलब प्रीवियस वैल्यू पर जाना है, तो स्टेप आउट के लिए Ctrl-Shift-8 है। ये सारे ऑप्शन हैं। अब यहीं पर रहते हुए F8 प्रेस किया मैंने, तो ये क्या हो गया, यहाँ पर आ गया। इसके बाद जो काम हो रहा है वो काम क्या हो रहा है, कॉलिंग का हो रहा है। कॉलिंग करके वो यहाँ पे आ गया, फिर ऐसे ही वो क्या करेगा, तो आपको ये स्टेप बाय स्टेप ये कलर के लिए, ये एरर के लिए ये आपको स्टेप दिखाएगा। तो यहाँ पे आया तो यहाँ से क्या मैं वैल्यू है, अभी 2 है, तो F8 एक बहुत दबाई है। अब क्या वैल्यू आ गई, यहाँ पे 71 आ गई, तो 71 को क्या किया इसने, नेक्स्ट आई को वापस किया। अब ये नेक्स्ट के लिए कंपाइल होगा, तो ये पूरा आपको स्टेप बाय स्टेप जब तक नहीं होगा तब तक ये दिखाता रहेगा, एक एक करके। ये देखिए ये आपका यहाँ पे भी आ रहा है धीरे। तो अब ये पूरा हो गया, लास्ट में ये एरर वाली वैल्यू एग्जीक्यूट हो गई। तो इस तरीके से करके अगर आप चाहें तो एरर को ट्रेस कर सकते हैं कि हाँ जी एरर कहाँ पे है। अब चलते हैं अपने लास्ट टॉपिक की ओर, यूज़र डिफाइंड फॉर्म की ओर। तो ये आप इसमें आपका VBA पूरा कंप्लीट कवर हो जाएगा। और इसमें अगर आपको प्रैक्टिस और करना है तो मैं टाइम टू टाइम आपके लिए नए नए एग्जांपल के साथ वीडियो लाता रहूँगा। उम्मीद करता हूँ ये वाली वीडियो आपको पसंद आई हो। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए अब चलते हैं अपने लास्ट टॉपिक की ओर, यूज़र डिफाइंड फॉर्म, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। तो अब चलते हैं यूज़र फॉर्म की ओर। ये रहा, इंसर्ट पे जाएंगे, यूज़र फॉर्म पे आ जाएंगे। यहाँ पे आप यूज़र डिफाइंड फॉर्म बना सकते हैं। ये देखिए आपके पास फॉर्म आ गया। अब यहाँ पे बेसिकली किस किस चीज़ों का यूज़ होता है, तो यहाँ पे अगर मान लीजिए आप यहाँ सीट पे हैं तो सीट की प्रॉपर्टी आ रही थी। यहाँ से आप सीट का नाम वगैरह चेंज कर सकते हैं, आईडी वगैरह बदल सकते हैं।
ऐसे ही जब आप यूजर फॉर्म पे आएंगे तो इसकी बड़ी सारी प्रॉपर्टी है। पहला है यूजर आईडी, तो ये किस काम में आता है, ये कोडिंग में एक्सेस करने के यूज में आता है। और अब इसमें क्या होता है, मान लीजिए मैंने दे दिया FRM माई फॉर्म। FRM क्यों लिखा मैंने कि कोडिंग के टाइम पे ये मेरे पास ये वाला ऑब्जेक्ट, ये वाला कंट्रोल विजिबल नहीं होगा, तो अगर इसके नेम के आगे FRM लिखा होगा तो मेरे को आइडिया लग जाएगा कि हाँ जी ये कोई फॉर्म के बारे में कोडिंग हो रही है, तो ये इसका कोड नेम हो गया। अब आते हैं इसमें, अगर आप चाहते हैं कैप्शन इंसर्ट करना तो ये रहा, कैप्शन से क्या हो जाएगा, जो टाइटल यहाँ पे आ रहा है उसकी वैल्यू आप यहाँ चेंज कर सकते हैं, माई फर्स्ट फॉर्म ये लिख दिया। इसको अगर यहाँ से प्ले कराएंगे तो ये देखिए आपके सामने ये फॉर्म आ जाएगा, ये रहा ये फॉर्म। अगर मान लीजिए इसको आप कहीं से कॉल करना चाहते हैं तो वो आप कॉल कैसे करेंगे, तो ऐसी मॉड्यूल के अंदर आ जाइए और मॉड्यूल के अंदर आकर के एक फंक्शन बना लेते हैं, सब कॉल फॉर्म ये दे दिया। ये मैंने क्या किया, FRM.show जैसी होगा ये कॉल हो जाएगा। एक फंक्शन और बना लेते हैं, इसको हाइड कराने वाला या अनलोड कराने वाला, सब कॉल हाइड फॉर्म ले लेते हैं। इसमें मैंने क्या किया, FRM.hide ले लीजिए, तो इसमें हाइड कर लेगा। अनलोड भी आप करा सकते हैं, लोड अनलोड वो एक एक एग्जांपल में देखेंगे। अब देखिए ये हो आ गया, यहाँ पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे इंसर्ट किया मैं, यहाँ कोई इमेज का ऑब्जेक्ट इंसर्ट कर लेते हैं, ट्राइंगल ले लेते हैं, ये मैंने कंट्रोल प्रेस किया और इसकी एक कॉपी और बना ली। अब यहाँ पे क्लिक करें तो फॉर्म दिखे, तो राइट क्लिक किया असाइन मैक्रो, ये रहा मेरा कॉल फॉर्म, ओके कर लिया। यहाँ पे अगर क्लिक करें तो फॉर्म हाइड हो जाए, असाइन मैक्रो हाइड फॉर्म, तो ऐसे के जा करके आप एक्सेस करा सकते हैं। क्लिक किया ये आ गया यहाँ पे, यहाँ से तो क्लोज हो सकता है, यहाँ से भी अनहाइड हो सकता है, जैसे ये देखिए क्लिक किया अनहाइड हो गया, हाइड अनहाइड। अभी ये क्या आ रहा है, तो ये यहाँ पे एक्सेस करने नहीं दे रहा है, क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट क्या है, ये डायलॉग जो आया जब तक इसको कंप्लीट नहीं होगा तब तक ये यहाँ पे नहीं जान देगा। उस पर भी आते हैं, अगर आप चाहते हैं कि फॉर्म और इसमें सीट के साथ एक साथ कैसे काम कर सके, उसकी भी प्रॉपर्टी पे आते हैं अभी। तो ये हो गया, अब चलते हैं और यहाँ पे कौन कौन से कंट्रोल यहाँ इंसर्ट कर सकते हैं, तो ये आपके पास टूल बॉक्स है, टूल बॉक्स में बड़े सारे कंट्रोल हैं यहाँ पे, और यहाँ पे आप अलग से भी कंट्रोल अगर आप चाहें तो रेफरेंसेस ऐड करा के और भी कंट्रोल यहाँ पे आप डाल सकते हैं। एडिशनल कंट्रोल में आ जाइए, और भी ऑप्शन है, या कोई एडिंस यहाँ पे इंसर्ट कराना है तो टूल्स में जा कर के रेफरेंसेस में आप एडिंस ऐड करा सकते हैं। ये देखिए ये मेरे पास टूल बॉक्स आ गया, क्या है Adobe PDF रीडर के लिए कंट्रोल आ गया, कैलेंडर वाला कंट्रोल आ गया है, और सीट रिव्यू ग्रुप लाइव ये सारे जो जो से आपकी माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ में अवेलेबल है कंट्रोल, वो सारे यहाँ पे आ जाएगा। ये विंडो मीडिया प्लेयर वाला आ गया, मेल मर्ज माइम एडिटर आ गया, बटन बार क्लास लेते, कैलेंडर कंट्रोल लेते, क्लिक किया यहाँ पे और क्लिक कर दीजिए यहाँ से, ये देखिए यहाँ पे ये भी ऐड हो गया मेरा कैलेंडर कंट्रोल, इसको यहाँ पे ड्रैग कीजिए आपका कैलेंडर आ जाएगा, ये रहा। इसको यहाँ से F5 कराइए, देखिए हो रहा था नहीं है, यहाँ से महीना लीजिए, ये कीजिए, सारा काम हो रहा है ये, तो यहाँ पे भी कर सकते हैं। अब चलते हैं, तो ये क्या हो गया, यहाँ पे आएंगे तो ये लेबल कंट्रोल हो गया, लेबल में आते हैं ये क्या हो गया, ये टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल हो गया, यहाँ पे कुछ इनपुट ले सकते हैं, लेबल में सिर्फ दिखा सकते हैं, टेक्स्ट में आप दिखा भी सकते हैं, कुछ आउटपुट भी दे सकते हैं, इनपुट भी ले सकते हैं, ये काम हो गया। और क्या है, कॉम्बो बॉक्स है, ड्रॉप डाउन लिस्ट वाला कॉम्बो बॉक्स, और क्या लिस्ट बॉक्स है, सिंगल ड्रॉप डाउन नहीं होता लेकिन मल्टीपल आइटम होते हैं इसमें, और चेक बॉक्स है, तो ये सारे अलग अलग काम करते हैं। ये अलग अलग कैसे काम करते हैं आपको एक एक करके एग्जांपल वाइज लेकर के आएंगे, पहले इसी पे रहते हुए अब चलते हैं, इसका हम नेम कैसे डाल सकते हैं। जैसे हम फॉर्म पे थे, फॉर्म का तो मैंने डाल दिया FRM, ऐसी लेबल का आज ही है, वो आपकी मर्जी जैसे मर्जी कर सकते हैं। तो इसका मैं क्या करता हूँ, लेबल से स्टार्ट कर लेता हूँ, LBL ID के लिए मान लो ये था लेबल है, LBL ID, तो ये कोडिंग के टाइम पे मेरे को याद दिलाया गया LBL मतलब ये लेबल है। तो लेबल में क्या होता है, कैप्शन में जो कुछ हम लिखेंगे तो वो टाइप हो जाएगा यहाँ पे विजिबिलिटी में। ये टेक्स्ट बॉक्स है तो टेक्स्ट बॉक्स में इसका भी नाम चेंज करते हैं, TXT ID ले लिया मैंने, तो यहाँ पे कैप्शन नहीं होता, यहाँ पे क्या होता है टेक्स्ट बॉक्स में टेक्स्ट होता है, तो यहाँ पे मैंने टाइप किया हेलो,
तो अब इससे फायदा क्या है, अगर मान लीजिए कोडिंग में मेरे को नाम से ही याद हो जाएगा ये है, तो मेरे को अच्छी तरीके याद आएगा। लेबल में कैप्शन में डालेंगे तब आउटपुट आएगा, टीएक्सटी में टेक्स्ट में डालेंगे तब आउटपुट आएगा। ऐसे ही यहाँ पे चेकबॉक्स में आ जाइए तो चेकबॉक्स में क्या दिखाता है, चेक की वैल्यू दिखाता है ट्रू है कि फॉल्स है। तो इसलिए अगर यहाँ पे अगर आपने डालना है तो मैंने डाला सी एच के बॉक्स वन, इससे क्या हो जाएगा, इसमें ना मैं कैप्शन डाल सकता हूँ, टेक्स्ट वगैरह का ऑप्शन है यहाँ पे, कैप्शन का ये रहा ऑप्शन, लेकिन ये इससे कोई मतलब नहीं होता क्योंकि यहाँ पे हम इसी के इनपुट पे काम करते हैं, ये ट्रू है कि फॉल्स है, इस पर हम कैसे काम कर सकते हैं वो बताते हैं। जैसे ये देखिए ये क्लिक किया यहाँ पे ट्रू है कि फॉल्स है, एक एक करके एग्जाम्पल वाइज देखते हैं यहाँ पे। तो इसलिए अगर आपके पास जितने भी कंट्रोल है उनको कुछ प्रीफिक्स के साथ आपको नाम दे देना चाहिए, ताकि आपके कोडिंग के टाइम पे जहाँ पे ये कंट्रोल विजिबल ना हो वहाँ पे आपको नेम से ही आपको पता चल जाए कि मैं इस ऑब्जेक्ट के साथ किन किन कंट्रोल या किन किन उस कंट्रोल की प्रॉपर्टी के साथ मेरे को काम करना है। तो चलिए अब एग्जाम्पल वाइज यहाँ पे कुछ डेटा एंट्री का फॉर्म बना लेते हैं, इसको डिलीट कर दीजिए, डिलीट कट किया मैंने, कट करने के बाद पेस्ट ही करूँगा, डिलीट के बराबर ही है। यहाँ पे मान लीजिए मेरे को नेम इंसर्ट कराना है, यहाँ पे सेक्स, यहाँ पे ईमेल आईडी, और यहाँ पे जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब क्या है उसका, और क्या ले सकते हैं, और यहाँ पे ले सकते हैं अवेलेबल है कि नहीं है, अवेलेबल और नॉट अवेलेबल है कि नहीं है, एक एक करके देखते हैं। यहाँ पे मेरे को डेटा एंट्री कराना है, इसके लिए फॉर्म लेंगे यहाँ पे, ये मैंने यहाँ से हटा दिया सब कुछ। ये अब क्या कहते हैं, यहाँ पे लेबल ले लेते हैं, यहाँ से उसको क्या करेंगे, उसको आइडिया मिलेगा यहाँ पे क्या टाइप करना है। एंटर योर नेम ये मैंने डाल दिया, यहाँ पे कोई टेक्स्ट बॉक्स ले लिया, इसका नाम दे दिया txt name, फिर क्या कहते हैं एक लेबल और ले लिया choose sex लिया यहाँ पे। अब मैं चाहता हूँ यहाँ पे क्या है, तो रेडियो बटन आ जाए, रेडियो बटन में से क्या कर सकते हैं, एक कोई एक ऑप्शन यहाँ पे डालना होता है मेल या फीमेल, तो वो यहाँ से हो सकता है, रेडियो बटन भी डाल सकते हैं, या यहाँ पे हम ड्रॉप डाउन भी डाल सकते हैं, ड्रॉप डाउन ले लेते हैं ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये रहा मेरे पास ड्रॉप डाउन लिस्ट, ये रहा ड्रॉप डाउन लिस्ट में आ गए। अब क्या है, यहाँ पे ईमेल आईडी के लिए फिर से लेबल लेना होगा, एक बार और टैक्स ले लेते हैं TXT email, और ये मेरे पास ड्रॉप डाउन था तो इसको कॉम्बो बॉक्स बोलते हैं, यहाँ पे DDL सेक्स लिख सकते हैं या कॉम्बो बॉक्स का CMB सेक्स भी लिख सकते हैं, जो मर्जी आप चाहें, यहाँ पे कोई भी प्रीफिक्स के साथ जिससे आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे ईमेल हो गए, ईमेल के बाद क्या लिया है, जॉब लिया है, जॉब क्या कहता है वो, तो यहाँ पे नेम बदलने की जरूरत नहीं है, एंटर और जॉब प्रोफाइल, यहाँ पे एक और टैक्स ले लेते हैं txt job हो गया। और यहाँ पे क्या कर सकते हैं, क्या यहाँ पे अवेलेबल है कि नहीं है, तो यहाँ अवेलेबल के लिए ले लेते हैं, हाँ ये सही रहेगा। अवेलेबल है कि नहीं है, तो इसके लिए ये चेक बॉक्स ले लेते हैं। अवेलेबल ये किया, और एक लास्ट में एक कमांड बटन ले लेते हैं, ये था कमांड बटन, कहाँ गया मेरा कमांड बटन, सबमिट के लिए इसका कैप्शन दे देते हैं सबमिट, और सबमिट और इसका कोई कोड नेम देते हैं CMD कमांड बटन के लिए सबमिट। अब ये मेरी क्या हो गई, ये मैंने फॉर्म डिजाइन कर लिया, अब डिजाइन कर लिया, अब इसकी कोडिंग पे आएंगे।
तो कोडिंग कब वो मतलब चले, जैसे कि मान लो यहाँ पे जब हम मैक्रो में थे तो मैक्रो के लिए ट्रिगर बना रहे थे, जब यहाँ पे क्लिक करें तो वो मैक्रो चले या अल्ट F8 पे चले, तो वैसे ही यहाँ पे भी इवेंट डिक्लेयर करना पड़ता है। इवेंट क्या होता है, बाय डिफॉल्ट किसी भी यहाँ पे कंट्रोल पे डबल क्लिक कीजिए वो इसके डिफॉल्ट इवेंट पे आ जाएगा। तो ये मेरा कहाँ पे आ गया, कमांड बटन क्लिक पे आ गया। तो इसका क्या है, ये रहा मेरे इतने सारे लेवल्स हैं और इनके इवेंट्स यहाँ पे दिए गए क्लिक। ऐसे अगर आप वर्कशीट पे भी आएंगे तो वर्कशीट पे भी है यहाँ पे वर्कशीट क्या है, सिलेक्शन डॉट चेंज, ये इसका डिफॉल्ट इवेंट है। जैसे ही कुछ भी चीज़ चेंज होगा वैसे ही ये एग्जीक्यूट हो जाना चाहिए। और क्या है यहाँ पे बड़े सारे हैं, अगर ये डीएक्टिवेट हो तो क्या हो, तो यहाँ पे ले लेते हैं, मान लेते हैं ये कह गए मैंने MSG बॉक्स सिलेक्शन चेंज क्लिक किया। ये अब देखिए यहाँ पे आ जाइए, आगे सिलेक्शन चेंज एंटर प्रेस किया मैंने, ये कुछ टाइप के एंटर प्रेस किया, आगे सिलेक्शन चेंज। जैसे ही कुछ भी चेंज होगा तो यहाँ पे ये दिखा देगा सिलेक्शन चेंज, ये एग्जीक्यूट, ये इवेंट हो गया इसका। तो ऐसे ही जब हम यहाँ पे हैं कहाँ यूज़र फॉर्म में है, तो इसके भी कई सारे इवेंट होते हैं। ये आगे कमांड बटन में, कमांड बटन में इवेंट क्या है, एक तो क्लिक है, क्लिक के अलावा क्या डबल क्लिक है, कोई डबल क्लिक करता है तो क्या करता है कि, या कोई एंटर प्रेस करता है तो, ये कि यहाँ पे की डाउन, अगर आपने कीबोर्ड से कोई की प्रेस करके रखा हुआ है तो ये उस पर चेक करेगा, की प्रेस क्या है लगातार प्रेस है, तो की डाउन और की अप एक साथ आते हैं कि पहले वो डाउन होगा फिर अप होगा। प्रेस का मतलब क्या होता है, प्रेस किया छोड़ दिया, तो ये की प्रेस होता है ये, तो ये इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। ऐसे ही सेम ये माउस के लिए भी, माउस अप माउस डाउन अप, चलिए एक एक करके यहाँ पर डाल देते हैं। मैंने पहले क्लिक में डाला MSG बॉक्स, लिख दिया क्लिक, इसको कॉपी कर लेते हैं, यहाँ डबल क्लिक में मैंने डाल दिया, यहाँ पे डबल क्लिक, इसको कॉपी कर लेते हैं, ये मैंने किया की डाउन में डाल दिया, की डाउन ऐसे करके आप बड़े सारे बना सकते हैं। अभी इतने में ही चेक करते हैं, देखिए ये आ गया, क्लिक किया क्लिक आ गया, दो बार क्लिक करने का मौका नहीं दे रहा है। यहाँ से मैंने कोई की डाउन करके रखा, वो की डाउन हो गया, की डाउन की प्रेस। अब ये डबल क्लिक वाला यहाँ पे नहीं दिखाया क्योंकि ये प्रेस होता है। अगर ये इसके लिए हम फॉर्म पे ले लेते हैं, फॉर्म कंट्रोल पे गए यूज़र फॉर्म पे, यहाँ पे ले लिया डबल क्लिक, MSG बॉक्स में डबल क्लिक। एक्चुअली वो कमांड बटन में भी हो रहा है वो काम, हो लेकिन बहुत तेज़ी से हो रहा है इसलिए वो दिखेगा नहीं, वो क्या हुआ कि नहीं हुआ। आप देखिए डबल क्लिक किया मैंने, डबल क्लिक हो गया, एक बार क्लिक किया कहीं पे भी कुछ नहीं हो रहा, डबल क्लिक किया, ये देखिए डबल क्लिक का ये आ गया। अब चलते हैं इसकी कोडिंग पे, इसकी कोडिंग हम कैसे कैसे कर सकते हैं जैसे मेरा ये डेटा एंट्री फॉर्म बन सके। तो अब जब मैं ये मेरा फॉर्म लोड हो तो यहाँ पे मेल फीमेल की वैल्यू आ जाए तो कॉम्बो आइटम में उसको ऐड कर लेते हैं। ये मैंने क्लिक किया, ये मेरा फॉर्म डबल क्लिक पे आ गया, ये इसको यहाँ से हटा दीजिए, फॉर्म पे रहते हुए एक्टिवेट पे आ जाते हैं। जब फॉर्म मेरा एक्टिवेट हो तो ये आ गया, तो यहाँ मैंने कोडिंग डाल दी, क्या नाम था उसका, कॉम्बो बॉक्स डॉट सेक्स ऐड आइटम, यहाँ मेल, यहाँ कितने भी आइटम अगर आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं जो मर्जी ऐड आइटम्स। ये देखिए अब इसको यहाँ से प्ले कराइए, ये देखिए पहले यहाँ पे कॉम्बो बॉक्स में ऑप्शन आ जाएगा ये सारा, ये यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स में टाइपिंग का काम हो ही सकता है, जॉब प्रोफाइल में जॉब, ये इज अवेलेबल के लिए टिक लग ही रहा है। अब चलते हैं सबमिट बटन में कोडिंग कर लेते हैं, सबमिट बटन में आ गए यहाँ पे। अभी क्या है, कहाँ गए सबमिट बटन में, डबल क्लिक है, डबल क्लिक को हटा देते हैं सिर्फ, और CMD सबमिट बटन इसकी कोडिंग बैठा देते हैं, सिर्फ क्लिक पे रहते हैं। ये आगे ये यहाँ पे ये अगर आप चाहें तो ऐसे भी चेक कर सकते हैं, यहाँ से CMD बटन लीजिए और यहाँ से उसका इवेंट को क्लिक करें तो क्या हो। तो यहाँ पे अभी हम ये कोडिंग ले लेते हैं, सेल्स के अंदर क्या है, 2,2 डॉट वैल्यू इक्वल टू क्या आ जाए, तो TXT नेम डॉट टेक्स यहाँ पे एंटर हो जाए, ये 2 का हो गया। फिर सेल्स रो आईडी 2 कॉलम नंबर 3 में क्या एंटर हो जाए, तो सेक्स है, तो CMB बॉक्स सेक्स डॉट सेलेक्टेड आइटम सेल टेक्स, ये लीजिए सेलेक्टेड टेक्स यहाँ पे आ जाए, सेल्स
2.4 में क्या हो कि वहां से 1 से स्टार्ट करना, 1 2 3 4, एक कॉलम नंबर आ जाना, कॉलम नंबर 1 2 3। कॉलम नंबर 3 में क्या ईमेल आईडी है इक्वल टू txt email dot text हो गया, सेल्स 2, 3, 4 डॉट वैल्यू इक्वल टू, 4 में क्या है जॉब है, txt जॉब डॉट टेक्स्ट, सेल्स 2, 5 में क्या है वैल्यू चेक करानी है अवेलेबल है कि नहीं है, तो चेकबॉक्स का नाम हमने कुछ चेंज नहीं किया था, तो यहाँ ले लेते इसकी वैल्यू लेते अवेलेबल है कि नहीं है, तो ट्रू या फॉल्स में देगा, या इसको अगर आप चाहे तो इफ एल्स के साथ भी आप कोडिंग कर सकते हैं, अगर ट्रू है तो क्या करें अवेलेबल लिख जाए, अगर ट्रू नहीं है फॉल्स है तो अब नॉट अवेलेबल लिखा हुआ आ जाए, ऐसे भी हम चेक कर सकते हैं। खैर वो बात की कहानी है, पहले इस पे चेक कर, ये हो गया मेरा, इसको F5 किया, यहाँ से यहाँ कोई मैंने नाम दे दिया और यहाँ से सेक्स ले लिया, ईमेल आईडी ले लिया, कोई जॉब प्रोफाइल कुछ भी टाइप कर लिया, अवेलेबल क्लिक किया, यहाँ पे ये आ गया। ये अब यहाँ से कुछ अपडेट कराते हैं, चेंज कराते हैं, तो ये यहाँ से। अब इसके बारे में डेटा एंट्री फॉर्म के बारे में मैंने एक और वीडियो में आपको डिटेल में बता रखा, वहाँ से रेफ़र कर सकते हैं कि अगर आपको कैसे एक एक सेल छोड़ के अगर आपको लिखना हो, वैसे मैं इस वाले वीडियो के आई बटन में उसका लिंक दे दूँगा, वहाँ से रेफ़र कर सकते हैं। तो ये हो गया कंप्लीट आपका VBA का। अब आने वाली वीडियो में इसके ऊपर मैं एग्जांपल दिखाऊंगा आपको, जिससे आपको VBA में प्रैक्टिस हो जाएगी और आप एक्सपर्ट बन सकते हैं इसमें। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।